السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصلي على محمد كما أنت أهله، فصلي على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. एक वो इंसान है जो मैं आप हैं, एक हमारा वजूद है ये जाहिर में, ये इंसान है, आदमी है। एक वो है जो हमारे अंदर है, बाहर आदमी है अंदर इंसान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाहर भी इंसान होता है अंदर भी इंसान होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाहर आदमी होता है अंदर इंसान होता है। ये बड़ी बारीक चीज है, गौर से सुनने और समझने वाली है। बाहर आदमी है, ईमान वाला और जो ईमान वाला नहीं, एक ही तरह के हैं। दो कान है, नाक है, आंखें हैं, चेहरा है, खाना पीना, मिजाज, तबीयतें, सर्दी से बचना, गर्मी से बचना, ये सारी चीजें एक ही हैं। सब कुछ एक ही चीज है। तो सारे आदमी हैं, आप जो ईमान वाला है और ईमान वाला नहीं है इकट्ठा बिठा दो, कोई महसूस तो नहीं होगा। कोई ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर सींग होते हैं, उसके ऊपर सींग नहीं होते, या उस ऐसे होते हैं जो बाहर से आदमी होते हैं, अंदर के इंसान होते हैं। लोग उनके बारे में अजीब वसवसे, अजीब सोचें, अजीब कैफियात और नागवारियां और पता नहीं क्या, सोचों के एतबार से, समझ के एतबार से जब उनके करीब जाते हैं तो वो अंदर का इंसान अपनी तजल्ली दिखाता है। रुख से पर्दे हटे, फिर रुख से पर्दे हटे हैं, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। फिर अंदर से वो पर्दे हटते हैं तो पता चलता है कि नहीं, बाहर से आदमी है, अंदर से इंसान है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से भी इंसान होते हैं और अंदर के भी इंसान है, उनका जाहिर का रूप भी ऐसा होता है कि जिसमें वो इंसान नजर आए, आदमी नजर ना आए, उनका अंदर का रूप भी ऐसा होता है जिसमें वो इंसान नजर आए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर के भी आदमी हैं, अंदर के भी आदमी हैं। आदमी आदमी अंतर है, कोई हीरा है कोई कंकर है। हाँ, कोई हीरा है कोई कंकर है। मैं भी आप भी अपने बारे में हम मिल बैठ के सोचें, हमारा अंदर क्या है, हमारा बाहर क्या है, हम आदमी हैं या इंसान है। कोई बच्चा शरारत कर रहा हो तो उसे ये नहीं कहते आदमी बन, कहते इंसान बन। अरब में किसी को हैवान कहना बहुत बड़ी गाली है। हम एक टैक्सी में जा रहे थे, सुरंग से गुजर रहे थे, एक बंदे ने खतरनाक ओवरटेकिंग की,
तो हमारे साथ जो ड्राइवर बैठा हुआ था वो अरब था, तो उसने उसको कहा, हैवान जानवर है, ये क्या करते हैं? और ये अंदर खोल के देखा जाएगा कि अंदर इसका क्या है, अंदर से आदमी है या इंसान है। जितने भी औलिया थे, सालहीन थे, अल्लाह के वली थे, उन सब ने अपनी मुर्शिद की खिदमत में रह रहे के अपने आप को अंदर से सह 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 के इतना कुंदन बना लिया था कि वो जाहिर में भी, बातन में भी, अंदर भी बाहर भी इंसान बन गए थे। मैं लफ्ज कह रहा हूं सह सह के। सोहबत में रहते हुए नागवारियां आती हैं। उसने टोका टाकी की, उसने शिकायत की, उसने टांग पकड़ के खींच दी, उसने ये किया। ये रहू में चलते हुए ये मंजिलें आती हैं, पर चलता रहा, सहता रहा, सुनता रहा और मंजिल को चलता रहा, वो शख्स अंदर से भी इंसान बन जाता है, बाहर से भी इंसान बन जाता है। जब अंदर और बाहर से इंसान बन जाता है, इसके अंदर से एक तजल्ली निकलती है, एक नूर निकलता है। इसके रंग में फिर 100 बंदे रंगे जाते हैं, 1000 बंदे रंगे जाते हैं, 1,00,000 बंदे रंगे जाते हैं, 1,00,00,000 अरबों रंगे जाते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के ऊपर मुकदमा दायर हुआ अदालत में, ये लोगों को ये जबरदस्ती मुसलमान कर रहे हैं। और हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह, हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी, नाम असल हसन था रहमतुल्लाह जो है, उन्होंने अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम ऐसा पिया था, हर ऐसी मसाइल और मुश्किलात और नागवारियों में जिंदगी के दिन रात गुजारे, पर दामन नहीं छोड़ा। करते करते एक वक्त आया कि अंदर भी इंसान और बाहर भी इंसान। और ये इंसान जब इंसान बन जाता है, इस वाक्य के सुनने से पहले ये सुनते चले जाएं, इसी इंसान के परों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। जब ये इंसान होता है, इसी इंसान के फरिश्ते हाथ मिलाते मुसाफा करते हैं। जब ये इंसान होता है, इसी इंसान को फरिश्ते आके रोज घरों में सलाम करते हैं। जब ये इंसान होता है, और इसी इंसान को जब हदीस में आता है मफहूम है, फरिश्ते जिसको पहली सफों में देख ले नमाज का एहतमाम करते हुए, जब वो नहीं आता तो फरिश्ते उसकी खैर खबर लेते हैं, बीमार होते हैं, फरिश्ते उसकी इयादत करते हैं, और हदीस के अल्फाज यहां तक मफहूम है कि उसके कामों में उसकी मदद करते हैं। इंसान जब होता है, फिर ये फरिश्तों से ज्यादा एहसास पा लेता है। जब इंसान होता है, फिर फरिश्तों से ज्यादा मोहतरम, मुकर्रम, मुअज्जिज हो जाता है। जब इंसान होता है, जब इंसान होता है, फिर ये दुआओं के लिए हाथ उठाता है, मुंह पे हाथ फेरने से पहले फैसले करा लेता है। जब इंसान होता है, हदीस में आता है मफहूम में, अल्लाह के बंदे बाज ऐसे हैं, अल्लाह पे कसम उठा ले, अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर दे। कुफार मुशरिकीन को यही तो मवालता लगा था कि ये हमारी तरह तो है, शादियां करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, हमारे कबीले से हैं। ये कहते हैं मेरे पास जिब्रील आता है, वही आती है, जन्नत है, जहन्नम है, मैं आंखों से जन्नत और जहन्नम का नजारा मैंने किया है, अल्लाह की तजल्ली को देखा है, और ताइफ के बाद मुझे मेराज मिला है। ये क्या क्या बात है, अजीब गरीब बात है। असल में उन्होंने नबूवत को अकल से सोचा। नबूवत अकल का नाम नहीं, अता का नाम है, बस मान जा, चुप करके इसमें तेरी खैर है। विलायत अकल का नाम नहीं, अता का नाम है, जिसको मिल जाए, कमी कमीन को मिल जाए, हल्लाज को मिल जाए, सिरी सख्ती कबारियों को मिल जाए, जिसको मिल जाए। हिकमत अमई अशा, हम जिसको हिकमत और दनाइयां देते हमारी मर्जी है, पर अमई तुल हिकमत फकद उती खैरन कसीरा, पर जिसको हम दे देते हैं फिर उसको खैर कसीर दे देते हैं, फिर उसको खैर कसीर इतनी देते हैं कि खुद उसको भी समझ नहीं आती हो क्या रहा है। रूह की दुनिया के साथ अकल के तजिए करता है तू, और फिर अकल के साथ चल के कहते हैं मैं चल भी लूं। सुने जरा गौर से,
रूह रूह की दुनिया के साथ वो अकल के तजिए करते हैं, फिर अकल के साथ चल के कहते हैं मैं चल भी लूं नहीं चल सकेगा, डिट्रैक हो जाएगा, एक वक्त आएगा एक तरफ हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं तेरी अकल में आएंगी नहीं, और कुछ चीजें नहीं बहुत सी चीजें तेरी अकल में समझ नहीं आएंगी। जब अंदर बाहर इंसान बन जाता है, अंदर बाहर इंसान बन जाता है, इंसान बनते बनते जब अंदर बाहर, फिर इसके अंदर के नूर की तजलियां जिसके बारे में ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईमान जब मोमिन का होता है, इंसान ईमान, इंसान और मोमिन यही की चीज है, जब अंदर होता है और उसका सीना अगर चीरा जाए तो उसके ईमान की ऐसी तजल्ली, ऐसा नूर है कि सारी दुनिया में अगर उस तजल्ली और नूर को फैलाया जाए, सारी दुनिया के सूरज चांद की रोशनी मंद पड़ जाएगी, सूरज चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी और तजल्लियात निखर आएंगी और सारी दुनिया उस तजल्लियात में वो खुशबू होगी कि मदहोश हो जाएगी। और मैं जो आदमी है इंसान नहीं, जिसके सीने में ईमान नहीं, उसके सीने को अगर चीरा जाए उसके अंदर इतनी बदबू है कि सारी दुनिया के सूर्य चांद तारीख हो जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, उस बदबू से लोगों की रगे और दिल फट, लोग मर जाएंगे। मुझे कई लोग कहते हैं हम बाहर के मगरब के मुल्कों में जाते हैं, मेला से मेला मुसलमान है उसमें वो बदबू नहीं आती, साफ सुथरा ईमान वाला ना हो उससे अजीब गरीब बदबू आती है, वो उसकी नहीं वो कुफर की है। जुनेद बगदादी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की बात अर्ज कर रहा था, शेख के ऊपर मुकदमा दायर हुआ, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं और उनको इल्म नहीं था कि ये अंदर बाहर से इंसान बन गए हैं। इंसान अंदर भी है और बाहर भी है, इंसान बन गए हैं। तो फरमाया कि जब वो अदालत में पेश हुए तो मजमा था इधर मुसलमानों का इधर हिंदुओं का, तो मुकदमा उनके सामने हुआ, उसकी समाप्त हुई तो उनसे कहा जी आप इसका जवाब दें, तो उन्होंने इशारा करके एक हिंदू की तरफ कहा, कहा कि इससे पूछे मैंने इसको कहा है कि कलमा पढ़, और उसे उसी पर कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, और दूसरी की तरफ इशारा किया मैंने इसको कहा है, वह जिसकी तरफ इशारा करते थे तीर नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, तीर नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, बस ऐसे हाथ करते जाते थे और कलमा, जज भाग गया उठ के कि मेरी तरफ हाथ आएगा तो मुझे भी कलमा पढ़ना पड़ जाएगा, मैंने तो नहीं कहा इसको। वंदर का इंसान जागा है, कहते हैं ना कि अंदर का इंसान जब मेरा जागा फिर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कुछ ये थी, मैं तो इसको जिंदगी समझता रहा कि मेरे दिन रात तारीख थे, मेरे दिन रात स्याह थे, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। फिर एक अंदर एक जागा इंसान और एक एहसास हुआ कि नहीं दुनिया कुछ और है, जिंदगी कुछ और है, मैंने तो इसी को सब कुछ समझा हुआ था। फिर एक अंदर इंसान जागा और अंदर का इंसान मेरी आपसे दरखास्त यह है, हम हर सांस हर लम्हा हर पल हर कदम अपने अंदर को इंसान को पढ़ते रहे, मैं भी मोहताज हूं अपना सबक सुना रहा, आप भी पढ़ते रहे अंदर के इंसान को। ये खिड़कियां खोलें इस तरफ वाली, सिर्फ इस तरफ वाली, अंदर के इंसान को। अच्छा वो पढ़ेंगे कैसे, उसकी परख क्या होगी बताऊं मैं आपको, मेरी तरफ देखें, उसकी परख क्या होगी कि मेरे अंदर का इंसान जाग गया है और मैं अंदर से भी इंसान हूं बाहर से भी इंसान हूं, क्या परख है उसकी, पैमाना क्या है, तराजू क्या है, थर्मामीटर क्या है, आखिर है क्या, कैसे पता चलेगा। किसी ने अल्लाह वाले से पूछा हजरत अल्लाह की बारगाह में मेरा मकाम क्या, मुझे कैसे पता चलेगा, अल्लाह के यहां मेरा क्या मकाम है, शकी हूं सईद हूं जलील हूं खबीस हूं, जानवरों में मेरा नाम है खिंजूरों में कुत्तों में बंदरों में
ये इंसानों में, कुरान कहता है कि वो लोग जब अल्लाह से दूर होते हैं, उसके हबीब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दूर होते हैं, तो वो इंसान नहीं, इंसानों से बदतर हो जाते हैं, बल्कि इंसानों से बदतर नहीं, वो उससे भी बदतर हो जाता है। उलाइका कल अनाम बल हम अजल। तो मेरा अल्लाह की यहां क्या मकाम है, मुझे कैसे पता चले? मेरा अल्लाह के यहां क्या मकाम है, मुझे कैसे पता चले? आप बताइए। तो शेख ने फरमाया, बस ये देख दुनिया में अल्लाह ने तुझे किन कामों में लगा रखा है, तेरे दिन, तेरी रातें, तेरी सुबह, तेरी शामें, किन कामों में तुझे अल्लाह ने लगा रखा है? तू झूठ की दलाली करता है या सच की दलाली करता है? तू मुजरिम को तकवीयत देता है और मुजरिम को छुड़वाता है, और जो मुजरिम नहीं होता उसको फंसाता है, तो किस चीज की दलाली करता है, किस चीज की दलाली करता है? या तो किन कामों में मुबतला है? तेरे सुबह, तेरी शामें, तेरे रोज, तेरे दिन क्या है? वह समझ ले, ऊपर भी वही निजाम है जो नीचे निजाम। हमें कैसे पता चले, हमें कैसे पता चले कि हमारे शब रोज और है, और हमारा अंदर भी इंसान है, हमारे बाहर भी इंसान है? ये उस वक्त पता चलेगा जब हमारा एहसास जाग जाएगा। बस एहसास अगर जागा है, एहसास अगर जागा है, एहसास, तो समझ लें कि हमारा सब कुछ जाग गया। एहसास, खता करके भी कहते हैं जलम तो नफसी फ़ग़फ़िर ली, जलम तो नफसी फ़ग़फ़िर ली, मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी। जुल्म किया, इधर देखना नहीं था, पहली नजर तो थी, दूसरी तो बड़ी खता थी। ये लुकवा मैंने खाया, ये पैसे मैंने किस नियत से लिए, किस जज्बे से लिए, ये माल मैंने किस जज्बे के साथ कमाया, और अपनी नस्लों को क्या खिला रहा हूं? जलम तो नफसी फ़ग़फ़िर ली। एहसास जब बेदार हो जाता है, जिंदगी की बेदारी यहीं से शुरू होती है, और जिंदगी के मनाजिल यहीं से शुरू होते हैं जब एहसास बेदार हो जाता है। और जब एहसास मुर्दा होता है, फिर इंसान जिंदगी में यहीं बहुत दूर चला जाता है। एहसास और इंसान दो हैं, एक अंदर का इंसान है, एक बाहर का इंसान है। जब अंदर का इंसान बीमार होता है, तकलीफ में होता है, परेशान होता है और मरीज होता है, फिर दुनिया में चैन लूट जाता है। क्या लुत्फ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो। जब अंदर का बीमार होता है, जब अंदर का बीमार होता है, फिर माशरे में तलाकें बढ़ जाती हैं। जब अंदर का बीमार होता है, माशरे में नफरतें बढ़ जाती हैं। जब अंदर का बीमार होता है, माशरे में खुदकुशियां बढ़ जाती हैं। जब अंदर का बीमार होता है, माशरे में नफरतें बढ़ जाती हैं। जब अंदर का बीमार होता है, फिर सड़क के ऊपर गाड़ी, अगर तेरी गाड़ी से कोई आगे निकाले, उसको घूर के आंखों से देखता है और तेज नजरों से देख के कोशिश करता कि मैं उससे आगे ले जाऊं। जब अंदर का बीमार होता है, फिर किसी को बर्दाश्त, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे रहना, सब इसको बर्दाश्त नहीं होता। जब अंदर का बीमार होता है, फिर इसकी जिंदगी में हसद और कीना होता है, और हसद और बुग्ज होता है, और फिर कीना और बुग्ज होता है। बुग्ज कहते हैं नफरत, बुग्ज कहते हैं नफरत, और कीना कहते हैं फिर उसका इंतकाम भी लेना। जब अंदर बीमार होता है, और जब बाहर बीमार होता है, फिर अस्पतालें बढ़ जाती हैं, फिर हकीम बढ़ जाते हैं, फिर डॉक्टर बढ़ जाते हैं, फिर मेडिकल स्टोर बढ़ जाते हैं, फिर दुकानें मेडिकल स्टोर की सब्जी की दुकानों की तरह आम हो जाती हैं, खाने पीने की दुकानों की तरह आम हो जाती हैं। जब बाहर बीमार होता है, फिर माशरे के अंदर, आपस के अंदर, माशरे में आपस के अंदर रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। जब बाहर बीमार होता है, फिर ये बुस्तिल हो जाता है, फिर ये खत्म हो जाता है। आज हम अंदर से भी बीमार हैं, बाहर से भी बीमार हैं। और अगर अंदर को ठीक कर लें, बाहर ठीक हो जाता है। वजीफा अंदर को ठीक करता है, बाहर को ठीक नहीं करता। आज जरा गौर से सुनिएगा। कहने लगे जी, आप आसिफ तुम वाला वजीफा पढ़ लें, ये अजान वाला वजीफा पढ़ लें। फूक अंदर को ठीक करती है, अंदर ठीक हो तो ही बाहर ठीक हो जाता है। दम वाला पानी अंदर को ठीक करता है, इसमें कोई विटामिन नहीं होते,
दम वाले पानी के अंदर कोई ऐसे क्रिस्टल्स नहीं होते, कोई जड़ी बूटियां पीस के उसका अर्क मिलाया हुआ नहीं होता, असल में वो अंदर को ठीक करता है। जब अंदर ठीक हो जाता है, बाहर खुद बहुत बेहतर होना शुरू हो जाता है और लाजवाब होना शुरू हो जाता है। असल अंदर है, याद रखो कि वो दिल है, अंदर अंदर। सारी दुनिया की मेहनत बाहर के लिए है। घर बना, घर में दो चीजों का ख्याल रखना, एक टॉयलेट और एक किचन। सारी दुनिया की मेहनत बाहर के लिए है। गाड़ी का लुक कैसे है और लिबास का अंदाज कैसा है और इमारत की तरतीब कैसी है, सारी जिंदगी की मेहनत बाहर के लिए है कि चीज पकी कैसी, उसका जायका कैसा है। और सारा निजाम जो रूह का है वो अंदर के लिए है कि अंदर के मजे क्या है। अंदर के भी कोई मजे हैं, जैसे बाहर की लज्जतें हैं ऐसे अंदर की भी लज्जतें हैं। अगर मेरे आपके ऊपर अल्लाह दरूद की लज्जत खोल दे, दरूद पाक की लज्जत खोल दे, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, किसी भी दरूद पाक की अल्लाह पाक लज्जत खोल दे मेरे आपके ऊपर, हम सारी दुनिया की लज्जतें भूल जाएंगे। अल्लाह कलमे की लज्जत खोल दे, अल्लाह तिलावत की लज्जत खोल दे, अल्लाह नमाज के अंदर के कहने की अल्लाहु अकबर इसकी लज्जत खोल दे। लज्जत, मलेरिया के बुखार की लज्जत ही तो खत्म हो जाती है, कहते हर चीज बेजायका है। जब इलाज होता है लज्जत खुल जाती है, कहते वाह मजा मजा आया, सेहतमंद आदमी, और इतना मजा आया मैंने मजे का नाम लिया तो आपको मजा आ गया और मुंह में पानी भर गया। हाँ हाँ, इतना मजा आया। बुखार वाला मरीज, बीमार मरीज होता है किसी भी तकलीफ में, उसको कोई चीज दी जाए, कहते हैं मैं नहीं खाता हूं। मीठी को कड़वी कह रहा होता है, कड़वी को मीठी कह रहा होता है। उसको जायके खत्म हो चुके होते हैं, उसकी लज्जतें खत्म हो चुकी हैं। वही जब उसका इलाज हो जाए उसकी लज्जत लौट आती है, फिर उसे महसूस होता है कि दलिये की ये लज्जत है और चांपों की ये लज्जत है और कबाबों की ये लज्जत है और बिरयानी की ये लज्जत है और लाहौरी खाबों की ये लज्जत है, फिर उसके अंदर वो लज्जतें लौट आती हैं। अल्लाह पाक बीमारी के नाम पे बता रहा, मैं चाहूं तो बीमारी के नाम पे लज्जतें छीन लूं, उसके लिए हर चीज बराबर है, उसको कोई लज्जत नहीं है। इसी तरह मैं चाहूं तो अपने नाम की लज्जत दे सकता हूं और छीन भी सकता हूं। अपने नाम की लज्जतें, अपने नाम का मजा, अपने नाम का सुकून और सुरूर, अपने नाम का कैफ और कैफियत। कॉफी की अपनी कैफियत होती है, चाय की अपना मजा होता है, पकी हुई चाय का अपना मजा होता है। जो शाशे डालते हैं उसके अंदर, शाशे डालते हैं ठीक, वो बैग, टी बैग, उस चाय का अपना मजा होता है। कहते नहीं ये चाय नहीं है, पकी हुई चाय, वो अपना मजा होता है। लकड़ी की चाय का अपना मजा, गैस की चाय का अपना मजा, कोयले की चाय का अपना मजा, पीतल की पतीली हो उस पे कली किया हुआ, उस दूध के कड़ा होना उसका अपना मजा, भूरी भैंस के दूध का अपना मजा, काली भैंस के दूध का अपना मजा, तंदूर हो और उसके अंदर उपले गोहे हो, गोबर हो, उससे तंदूर गर्म हो और रोटी हाथ की हो, देसी आटा हो, पानी के साथ लगी हुई रोटी हो उसका अपना मजा, थापी के साथ लोगी रोटी उसका अपना मजा, कोयलों के तंदूर की रोटी का अपना मजा और लकड़ी के साथ तंदूर की रोटी का अपना मजा, मदीने वाले के नाम का अपना मजा। अगर अंदर मजा आ जाए तो, आ जाए तो मालूम हुआ मजा मिल भी जाता है, छिन भी जाता है। बीमारी की मिसाल मैंने आपको दी है, वो शख्स है उसे मजा आता था और वही शख्स है उससे मजा छिन गया। कहता है मैं, मुझे किस चीज में मजा नहीं आ रहा, मैं नहीं खाता, और अगर खाता भी है बेलज्जत और बेमजी मजा चीज खाता है, कहता है खाएगा तो अंदर कुछ जाएगा तो तेरी सेहत बनेगी। एक बीमारी ने खत्म किया, दूसरा भूख ने खत्म किया, क्या कर रहे हो? रब से मांगा करें अल्लाह अपने नाम की लज्जत दे, अल्लाह मदीने वाले के नाम की लज्जत दे, मौला दरूद की सलाम की और कलमे की लज्जत दे, लज्जत दे।
कितने अल्लाह वालों के वाकियात में है ऐसे, बैठे हैं लज्जत में ऐसे, नमाज के लिए खड़े हुए हैं, छत गिर गई है और नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के लिए खड़े हुए हैं, बच्चे को सांप लिपट गया है, शोर शराबा हो रहा, लोगों ने सांप से उनको सांप बच्चे को हटा दिया, उन्हें कहा अल्लाह आपका भला करे आपको सांप, फरमाया नमाज की लज्जत और रेका ऐसा था। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने सुबह फजर की जमात खड़ी की और उधर मदनी को और उधर जो है ट्रेन की सीढ़ी बज गई, खादिम ने उठाया बक्सा, भागा ट्रेन में, खादिम चला गया तो रेश यहां है, उसको नमाज में तिलावत में ऐसा मजा आया कि बस सब कहानी खत्म हो गई। ये लज़्ज़त अल्लाह से मांगा करें। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात खड़े एक ही रकत में पूरा कुरान पढ़ रहे, क्योंकि लज़्ज़त थी जो खिलाई जा रही थी, जो पिलाई जा रही थी, जो कह जा रही थी, वो लज़्ज़त ही तो थी। एक अल्लाह वाले कहने लगे, एक बंदे ने खाना खाया, बहुत खाया बहुत खाया, फिर कहने लगा हाय, उन्हें कहा अब हाय क्यों, कहने लगे ये बच क्यों गया, हाय। ये बच कैसे गया। एक साहब थे खाने के शौकीन भी थे, फिर उनको दावतें भी होती थी, खूब अच्छी तरह खा के यूं करके कह करके फिर रिलैक्स होके फिर दूसरी महफिल में जाते थे। अब ये बात करूंगा आपकी तबीयत ही खराब होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये बात मैं 2-3 दफा कहूं कोई तो एक उल्टी करे। लज्जत खाने की, क्योंकि अंदर जाने के बाद तो काम खत्म हो जाता है, असल तो वो मुंह का जायका है। दावतें होती थी, खूब जी भर के खाते थे, अगली दावत पे जाना है उनको भी मुतमैन रखते थे, और यूं उंगलियां डाली और अच्छी खासी जी भर के कह की, स्टोमिक वॉश किया, मैदा धोया, पानी पिया, बरूडी वाली, फिर बिरधनी रिलैक्स होके नाक मुंह धो के सब कुछ करके फिर वहां पहुंचे, फिर जी भर के खाया, एक दिन में 2-3 उल्टियां कर ली, क्या हो जाए, असल तो लज्जत है। हाँ, मुझे आपको अल्लाह अपने नाम की लज्जत दे दे, अपने नाम का मजा दे दे, मदीने वाले के नाम पे दुरूद सलाम का मजा दे दे, कलमे का मजा दे दे, कुरान का मजा दे दे। एक लज्जत है, लज्जत है, लज्जत है, लज्जत है। मुझे एक साहब मिले, ऐसे हाथ करके मिले जोर से, मैंने कब ख्याल करना, कहने लगे अभी 45 लेग पीस खा के आए खड़े हैं, 45 लेग पीस, और बकायदा मुकाबला होता है बकरे के ऊपर कौन ज्यादा खाएगा, मुकाबला होता है। हमारे एक बाबा जी हैं, उन्होंने कहा बाबा जी बर्फी है साथ, वो कागज वाला शापर होता है वो भी है, इस समेत खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कर्मा वाले, वैसे उसका उनका जरिया है कर्मा वाले, वो कहते हैं कर्मा वाले, परेशान ना हो। वो ऐसे शापर को उठाया, ऐसे तोला, वो मेरे ख्याल में बर्फी को 3 पाव किलो थी या 1.25 किलो थी, मुझे याद नहीं, उसने कहा कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह आपको, पर ऐसे याद करता है उसकी उसकी तबीयत में ऐसे याद करता है, क्या दोगे क्या, उन्होंने कहा बर्फी नहीं दी, कह लगत कागज समेत, वो कागज वाला जो होता है शापर उस समेत खाना है, बर्फी तो दोगे क्या। उन्होंने कहा बाबा जी ये तो खा के दिखा, कह रहे छोड़ो इस मामले को, दोगे क्या। कह लगे मेरी नई नई शादी हुई, मैं ससुराल गया, इतने लंबे लंबे गिलास होते हैं दूध वाले, उन्होंने मुझे एक गिलास दिया, कह लगे और चाहिए, नया नया दामाद आया, उसने कहा अगर थोड़ा सा हो तो दे दे, उन्होंने गिलास भर के और दे दिया, बड़ा गिलास जिसमें 3 पाव से ज्यादा दूध आए, उसने कहा जी और, अगर है तो और दे दे कोई ज्यादा मसला नहीं है। कह लगे पूरे घर का दूध पी गया मैं, अब कहते रहे मैं खाता रहा क्योंकि नहीं तो औतरे के मुंह में चौंधी है। लज्जत मजा, हाँ लज्जत मजा आ रहा पी रहा। कहने लगे 28 किन्नू पड़े थे, कहने लगा बाबा जी 28 किन्नू छिलके समेत, कहने लगा फिक्र ना करो,
28 किलो छिलके समेत बाबा खा गया। छिलके, छिलके के अंदर अपनी ताकत होती है। ये मुंह की लज्जतें हमारी तबीयतों में आई, शहवतों की लज्जतों को हमने जाना, नहीं जाना तो दरूद और सलाम की लज्जतें और कलमे की लज्जतें और मदीने वाले के नाम की लज्जतें और कुरान की और लफ्ज अल्लाह की लज्जत नहीं जानी है। अल्लाह, ऐसे दिल का रोआ रोआ ऐसे खड़ा हो जाता है। लज्जत अल्लाह की जब अंदर इंसान बन जाएगा और जब बाहर इंसान बन जाएगा, इसकी लज्जतें और हो जाएंगी, इसके जज्बे और हो जाएंगे, इसकी चाहतें और हो जाएंगी, इसकी सुबह शामें और हो जाएंगी। फिर दुनिया में रहेगा, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, पर रहेगा दुनिया में, पर इसके इसकी इसकी कैफियतें और इसकी चाहतें और इसके सुबह इसकी शामें फिर और होंगी। रहेगा दुनिया में फिर और होंगे। अंदर का मजा कैसे मिले, अंदर की लज्जत कैसे मिले? अंदर का मजा और लज्जत जो दिल में उतर जाए उस करीम के नाम की बातों का मजा है। हमारे एक साहब है, उनको उनका नाम है, कहने लगे ये बातों का ट्रक है। मुझे कहने लगा कि आपको इनसे मिलवा रहा हूं, ये बातों का ट्रक है। ट्रक वाकई ट्रक था, वो एक से नई बात निकालता, शरीफे निकालता, हंसाता था इधर की बातें, यानी पता नहीं उसके पास बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा ट्रक अभी अनलोड हुआ, अभी अनलोड हुआ। वो ट्रक के बाद बड़ा व्हीलर का ट्रक बन गया, फिर ट्रॉला बन गया, फिर कंटेनर बन गया। वाकई उसने कहा ट्रक था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुआओं में लज्जत और आशनाई मिल जाती है, घंटों घंटों की दुआ उसके सामने बैठे कर रहे, उससे बातें कर रहे, कुछ रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुपके चुपके रोना, कहीं दिल से बात करना, उससे बातें कर रहे, बातों में मजा आ रहा। पैकेज जब लगा हुआ हो यार का तो पैकेज खत्म हो जाता है, यही तो नेटवर्क वाले कमाते हैं, मजा आते आते पता चलता वो बाकी बैलेंस भी चला जाता है, बाकी भी बुरी जड़ी बच्चा कटता, वो बैलेंस में सारा अब खत्म होता है, कह रहे खत्म हो गया बैलेंस, खत्म है ना पैकेज, खत्म हुआ पता चला सब कुछ खत्म हो गया। ओ गुफ्तगू का मजा आ रहा। हमें ऐसे ही हमारा अल्लाह के साथ एक पैकेज लगे, मोहब्बतों का, उल्फतों का, चाहतों का, लज्जतों का, फिर अल्लाह के साथ बातें करते 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 एक घड़ी ऐसी आए कि मेरा अल्लाह कहे मेरे बंदे बस कर, बस कर, इलाही तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा, मेरा कार तेरा, तेरा कार मेरा, इलाही को तुझसे क्या, कोई क्या मांगते हैं, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूं। ये है लज्जत, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूं। ये चीज चलते चलते आ जाएगी, पर चलता रहे। ये चीज हिलते हिलते मिल जाती है, पर हिलता रहे, ये चीज मिल जाती है। हमने जंगलों में नहीं जाना, रहमानियत घर छोड़ दो और बीवी बच्चे छोड़ दो और कारोबारी जिंदगी को छोड़ दो, नहीं, हमने इस दुनिया में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए मेरी तरफ देखते रहिए, दुनिया में रहते हुए इस नूर को पाना है, दुनिया में रहते हुए इस सुकून को पाना है। और ऐसा हो इस दिल को जब फरिश्ते आए आके छेड़े और इसके अंदर के ईमान को चेक करें तो पता चले कि नहीं, ये तो कहानी कुछ और है, अंदर भी इंसान है, बाहर भी इंसान है। क्या करें, ये तस्करे मुझे भी अजीब लग रहे, आपको भी अजीब लग रहे कि ना कहीं सुना, ना कहीं पढ़ा, ना कहीं मीडिया, ना कहीं अखबार, ना कहीं रिसाला, ना कहीं बोल, ना चार बंदे इकट्ठे हो, ये तस्करी खत्म हो गए।
जिस चीज के तस्करे खत्म हो जाते हैं उसका वजूद खत्म हो जाता है। मुझे एक साहब कहने लगे, अदब के बहुत बड़े इंसान थे उर्दू अदब के, कहने लगे अल्फाज भी मर जाते हैं, वास वक्त होता है अल्फाज मर जाते हैं, फिर वो जो बंदा उन लफ्जों को इस्तेमाल करे लोग कहते हैं इसका क्या माना होगा, लफ्ज मर जाते हैं, क्यों, उनका तज़किरा खत्म हो जाता है। इस तरह रूह की दुनिया, लज्जतों की दुनिया, दिल की लज्जतें, दिल की चाहतें, जिक्र की लज्जतें, मदीने वाले के नाम लेने की लज्जतें, ऐसी मजालिस जहां आप तस्बीह खाने में बैठे हैं इसके बैठने की लज्जतें, बैठना भी एक लज्जत है कि बात होती रहे, हम सुनते रहे, यार बाकी रहे, मैं बाकी रहे, मैं खाना बाकी रहे, बस्ती आबाद रहे, ये भी एक लज्जत है। तस्करा ही खत्म हो गया, रिवाज से ही बात चली गई, रिवाज से ही चली गई, अनोखी सी नजर आती है बात, उकताहट सी महसूस होती है, वो जिंदगी की कैफी खत्म हो गए, करार ही खत्म हो गए। पर हमने को याद करना है, हमने दिल को मनाना है और दिल पे अहद करना है कि हमने आरजुए खून हो या हसरतें पामाल हो, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे, आरजुए खून हो, आरजुए खून हो या हसरतें पामाल हो, मौला मेरी सारी आरजुओं का खून हो जाए और मेरी सारी हसरतें मिट्टी में मिल जाएं, मुझे ये तो मंजूर है, पर इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे, पर इसको तेरे दिल के काबिल, इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। ये अंदर का इंसान जगाना है, दो इंसान लिए लिए आप फिर रहे हैं, एक अंदर का इंसान है, एक बाहर का इंसान है, या फिर आप आदमी है तो दो आदमी लिए लिए फिर रहे हैं, एक अंदर का आदमी है, एक बाहर का आदमी है, एक अंदर का जो अगर इंसान है उस इंसान को अंदर के इंसान को कैसे बेदार करें, वो अंदर का इंसान भी जागे, अगर नहीं जागेगा रूह की दुनिया मुर्दा हो जाएगी, फिर नमाज पे दिल नहीं करेगा, जैसे जायके खराब होते हैं टाइफाइड बुखार मलेरिया या किसी बीमारी से, मुंह का जायका जब खराब होता है फिर कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा, फिर मीठी को कड़वी कह रहा, लजीज को बदजायका कह रहा, मालूम हुआ कि इसका अंदर खराब है, फिर वही अंदर का निजाम जब ठीक होता है किसी दवा से, तो जब उसका अंदर का निजाम ठीक होता है फिर जायके भी ठीक होते हैं, कहते हैं बहुत मजा आ रहा, मेरी ये चीज खा कौन गया था, इसमें बड़ा मजा था, फिर उसकी उंगलियां भी चाटते हैं, उस बर्तन को भी चाटते हैं, कहने लगा मैं एहसान दानिश मरहूम के पास शायर थे, अब्दुल अजीज साहब ने बताया मुझे कि हमने मुशायरा कराना था पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनके पास गए तो वो सोन हलवे की कढ़ाई की खुरचन खा रहे थे, खुरचन खुरच खुरच के खा रहे थे, तो कहने लगे हम स्टूडेंट थे सारे, हम उनके पास गए, हमने कहा एक दफा पहले आए थे तो आपने कहा था कि हम मुझे शुगर है और ये खुरचन खा रहे, कहा कि सारा सोहन हलवा एक तरफ, उसकी खड़ाई कड़ाई की जो खुरचन है उसकी लज्जत एक तरफ, और कहा कि मेरे पास एक टोटका है शुगर कंट्रोल करने का, मैं खुरचन भी जी भर के खाता हूं मुझे शुगर भी नहीं होती, मुझे बता दें। कहने लगा जब मुझे पेशाब की हाजत होती है पहले एक गिलास पानी पी लेता हूं, पेशाब फिर कर लेता हूं, आज तक मेरी शुगर लेवल बॉर्डर पे रही है, ऊपर हुई ही नहीं, और खुरचन भी खाता हूं, अनारकली में रहते थे। फिर कहने लगे कि एक घड़ी वाला आया, छोटा सा सीढ़ियां थी उसमें, उनका घर ऊपर सीढ़ियों पे था, तो कहने लगे सीढ़ियों के सामने मुझे जगह दे दे, मैं घड़ियों का थोड़ा सा बॉक्स लगाऊंगा, आपको महाना दूंगा, इतना महाना तय हुआ, और कहा कि वो महाना पूरे साल हर साल से तय करके देता था, आज तक तंग नहीं किया और आज तक उसने मुझे परेशान नहीं किया, फिर आखिरकार मैंने उसे अपनी बेटी की ऑफर की कि इसकी शराफत या राह पिया या वाह पिया वास्ता पड़ा, देखा मैंने उसे बेटी दी थी हालांकि वो खानदानी नहीं था। फिर एहसान दानिश ने अजीब बात लिखी है, कहा बाज़ोकात जाती शराफत खानदानी शराफत से बढ़ जाती है, क्या कमाल की बात लिखी है शायर एहसान दानिश। पिछले जुम्मे में कब्रिस्तान में था,
हजरत ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह के हाँ ऐसे चलते हो, मैंने कहा ये सामने एहसान दानिश है, मैंने पढ़ के उनको हदिया किया। कहा कि बाज़ औक़ात ज़ाती शराफत खानदानी शराफत से बढ़ जाती है, बाज़ औक़ात बंदा कमी कमीन होता है जिसको हमारे मुआशरे में मुसल्ली कमी कहते हैं, लेकिन उसकी ज़ाती शराफत खानदानी शराफत से बढ़ जाती है। अगर ख्वाजा खुदा बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे, कुम्हार थे और कुम्हार के बेटे थे, ऐसे दूर से देखा, इस जाती शराफत में बात याद आई, ऐसे दूर से देखा, ऐसे दूर से देखा और दूर से देखा ना तो कहने लगा वाह वाह वाह, कुम्हार का बेटा है लेकिन माथे के ऊपर विलायत सजाए ताज आ रहा है और इसे खुद पता नहीं कि मेरे पास ताज विलायत है या नहीं है, इसे खुद पता नहीं है। वो जौहरी थे ना, हीरे को समझते थे, शेख महारवी रहमतुल्लाह अलैह जौहरी थे, हीरो को समझते थे। ऐसे दूर से फिर आया तो सलाम किया, वालेकुम सलाम, बैठा रहा। जब जाने लगा तो मैं किस लिए आए थे, हजरत कुछ पाने के लिए, शफकत फरमा दे। फरमाया तुझे तो अल्लाह ने दिया हुआ है, तेरे माथे के ऊपर मैं नूर विलायत विलायत का ताज देख रहा हूं, इंशाल्लाह रब तुझे अता भी करेगा और रब तुझसे काम भी लेगा और रब तुझे जरिया भी बनाएगा लाखों की हिदायत का। ख्वाजा खुदा बख्श रहमतुल्लाह बहावलपुर के साथ आगे छोटा सा शहर कस्बा है, वहां उनकी तुर्बत है, लेकिन एक हकीकत आई और एक वक्त आया कि रब ने उनसे काम लिया और उनको जरिया बनाया और उनके जरिए से लाखों इंसानों के कुलूब दिल हिदायत की तरफ मुतवज्जे हुए। शेखुल अदब मौलाना एजाज अली साहब रहमतुल्लाह अलैह जौलाहे के बेटे थे, जौलाहे के बेटे थे, पर उन्होंने वो काम लिया, वो काम लिया, रहती दुनिया तक उनको शेखुल अदब कहा जाएगा। शेखुल अदब पहले कहा जाता है, एजाज बाद में कहा जाता है, ये एजाज है उनका। अंदर जो रोशन हो गया था, अंदर जो रोशन हो गया था, हम पता क्या होता है, हम चलते चलते कोई नागवारी होती है, किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने उठा के परे फेंक दिया, उसकी जगह पे खुद आके बैठ गया, कोई खिदमत का मौजूद था या मौका था तो उसने उसको धक्का दे के एक तरफ कर लिया, खुद खिदमत में लग गया। यही वक्त तो तरक्की का था, तेरी नागवारियों को तोड़ने का था, तेरी नागवारियों को तोड़ के तुझे बैज और रैक लगाने का था, यही तो बुझ गया और यही तो हट गया और यही तेरे दिल में वसवसे और शिकवे आए और तो फिर बहुत और दूर चला गया, फिर नई लाइन लग गया, फिर लाइन पे पहुंचा और जब देने का वक्त आया फिर कोई झटका लगा और फिर तो नई लाइन लग गया, जबकि अगर वहीं सह जाता, सहम जाता, चुप हो जाता, पी जाता, बर्दाश्त करके उसको लब्बैक कहता, बस यही तरक्कियों का वक्त था। इस दिल को रखे अपने सामने, मैं भी आप भी, इस दिल के ऊपर दम करने से मरीज ठीक होते हैं, इस जिस्म के अंदर के दम करने से लोग ठीक होते हैं। आपका तस्बीखाना सारा का सारा सारा साल से जो पैगाम दे रहा वो यही दे रहा कि अंदर को ठीक करें, ये वजीफा पढ़ के दम करें, अंदर को ठीक करें, ये तस्बीह पढ़ें, अंदर ही ठीक होता है, ये अमाल करें, अंदर ही ठीक होता है, ये सजदे करें, अंदर ही ठीक होता है, ये सदका करें, अंदर ही ठीक होता है, ये तस्बीखाना बुनियादी तौर पर साल आ साल ये पैगाम दे रहा, ये पैगाम दे रहा। मेरी तरफ देखते रहिए, जागते रहिए, खासतौर पर टेक वाले हजरात, ये पैगाम दे रहा कि अंदर 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 अंदर, ये तावीज के घोल के, तावीज के अंदर जो अल्फाज लिखे हुए हैं कुरानी आयात अल्लाह के नाम, वो कहते हैं तावीज घोल के पी, पीते ही जिसमें बेहतरी आती है, अंदर का निजाम ठीक होता है, तावीज गले में डालते ही वह एक निजाम बेहतर होता है, वो अंदर वो लफ्ज वही कागज है, जब उससे लफ्ज मिट जाते हैं, लफ्ज मिट जाते हैं, वो कागज कागज होता है, वही होता है, जब उस पर लफ्ज आ जाते हैं उसकी ताकत और तासीर और हो जाती है।
अपने दिन, अपने सुबह, अपनी रातें, अपनी शामें, इस चीज को मैं आप पढ़े, हमारा अंदर कैसे रोशन हो जाए, हमारे अंदर का इंसान कैसे बाहर आके कहे कि नहीं, जिंदगी एक और भी है। और जब अंदर रोशन होता है, बाहर का साथ देता है। उसकी मिसाल आप बैठे होंगे, कैसे बोला, इसको फिर सुनिए। जब अंदर रोशन होता है, बाहर का साथ देता है। कहता तस्बीह खाने को जाने को दिल नहीं करता, जा क्या पड़ा हुआ है वहां, बुरे भले बोल बोलूंगा, गालियां देगा हकीम तारिक को भी, तस्बीह खाने को भी। जब तेरा अंदर रोशन होता है तो सारी रुकावटें, सारी मुखालफतों के बावजूद तेरे कदम तस्बीह खाने की तरफ उठते चले जाते हैं। सच है, अंदर बाहर का साथ देता है। अब समझ आई, जब अंदर रोशन होता है, अंदर का इंसान जिंदा होता, बिंदा और तवाना और ताकतवर होता है, ये बाहर का साथ देता है। फिर इसके उठते हैं कदम खैर की तरफ, फिर इसके उठते हैं कदम नमाज की तरफ, फिर इसके उठते हैं कदम तिलावत तस्बीहात और जिक्र और खैर वाली मजारिस की तरफ। जब अंदर साथ नहीं देता तो कहते हैं मुसल्ले के करीब जाके वहीं बैठ जाता हूं, वजू करके नमाज नहीं पढ़ सकता, मस्जिद की दीवार के साथ दीवार है, मस्जिद में नहीं जा सकता। फिर बहुत बातें, बहुत लफ्ज, बहुत बोल, मालूम हुआ इसका अंदर साथ नहीं दे रहा, अंदर साथ नहीं दे रहा। खाना तो मुंह में है, कह रहे मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल खाता है कोई? दिल खाता है या मुंह खाता है, बताए तो सही, ना सोए हुए बताएं मुझे, जागने वाले ना बताएं। आप सिर्फ सोए हुए बोले, अंदर खाते हैं या मुंह खाता है? हाँ, सोए हुए बोले, कोई बात नहीं, कह के फिर सो जाइएगा। वो हमारा था एक, उसको अब्दुल जबार कहते थे, हमारे एक दोस्त ने उसका नाम रखा हुआ था शेखुन नौम। शेखुन नौम कहते हैं नींद को, ऐसे यूं गोट मार के ऐसे सोता था, सोता होता था। मैं पीछे हाथ लगाता था ना, कहते हाँ हाँ मैं सुन रहा हूं। मैं ज्यादा हाथ लगाता तो मुझे कहता, ऐसे गुस्से से कह रहा, ओ तारिक तुझे तो घर सोने का मौका मिलता है, मैं मजदूर आदमी हूं, यही तो सोने का मौका होता है मेरे। यानी सोने का मौका वो ढूंढता यही है। तो क्या सवाल किया था मैंने? हाँ जी, कौन से जागने वाले बताएं कि दिल खाता है या मुंह खाता है? हैं? कहते मेरा दिल नहीं करता। कह रहे ये कपड़ा पहन ले, कह मेरा दिल नहीं करता। ये खाना खा ले, दिल नहीं करता। ये पानी पी ले, दिल नहीं करता। कोई चीज है ऐसी दिल के साथ वाबस्ता है, जिसके साथ तबीयतें वाबस्ता है। हाँ, जिसके साथ तबीयतें वाबस्ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको देखते ही, उनको देखे से जो मुंह पे आ जाती है रौनक। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको देखते ही तबीयत ऐसे खुशहाल हो जाती है। ये दिल अनोखा निजाम है इसका। इस दिल को पढ़े और परखें, इस दिल को पढ़े और परखें। इस दिल के साथ बड़ी अनोखी दुनिया है। इस दिल के साथ बासुकात मंदिर को किसी को देखने को दिल बहुत चाह रहा होता है, लेकिन आंखें नहीं मिल सकती। हाँ, इस दिल को पढ़ें और इस दिल को रूह की लज्जतें दें, इसके आदि बनाएं, आदि बनाएं, रूह की लज्जत का आदि बनाएं। मैं रात बच्चों से बैठा आमीन करा रहा था, एक दुआ कराई तो आमीन, छोटा ओम ओम कह रहा था आमीम आमीन, मैं कह नहीं आमीन, वो फिर कहे आमीम, फिर मैंने कहा ये ठीक कह रहा है आमीम, मोहम्मद भी मीम और महमूद भी मीम आमीम, मैंने ये भी ठीक कह रहा है। वो कहे आमीम, मैंने कहा ठीक कह रहा है, तू आमीम ही कहता रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और महमूद अल्लाह जल्ल जलालहु, उधर भी मीम है और उधर भी मीम है, कहते है आमीम, अल्लाह आएगा तो काम बनेगा और मदीने वाले के आमाल आएंगे तो काम बनेंगे। इस
दिल के साथ कोई ऐसे दिल चिपकाया करें जिनके दिल में नूर हो। मैंने अपने मुर्शिद से अर्ज किया, शेख मुझे दिल जैसे आपका दिल है, जैसे आपका दिल है और आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत के तजल्लियात का बौजे और ठाठे मारता हुआ समंदर है, ऐसा भी मैं हो जाऊं कैसे हो सकता हूं। तो फरमाया दोनों हाथों को रगड़, मैंने रगड़ा, फिर फरमाया और रगड़, इतनी गर्मी पैदा हुई, मैंने कहा जी मेरे बस से बाहर है। और मैं अपने दिल को मेरे दिल के इतना करीब कर, इतना करीब कर, इस दिल के अंदर जो अल्लाह ने दिया है वो तेरे दिल में मुंतकिल हो जाए। और हो जाता है। शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह का बेटा, बाप को तो मिजाजन क्या, बाप कहता था पूछो इससे, यूसुफ से, ये मुझे मुसलमान भी समझता है। और एक दफा चाय महंगी हो गई, वो चाय बहुत पीते थे और तेज पत्ती पीते थे, और ये रोकते थे, वालिद रोकते थे और वो चाय से नहीं रुकते थे। चाय हो गई बहुत महंगी, पत्ती महंगी हो गई, चाय की पत्ती, तो उन्होंने सुना कि चाय छोड़ दी। आपने उस दौर में 5 रुपए दिए 5 रुपए, और फरमान लगे जाके ये यूसुफ को दो और उससे कहो कि चाय ना छोड़, चाय ना छोड़। वो हैरान हो गए, क्या कहा कि यूसुफ से कहो कि उससे कहो चाय ना छोड़। उन्होंने फिर चाय पीना, पूछा कासिद से क्यों, फरमाया फरमाया उसने जो चाय पहले छोड़ी है महंगाई की वजह से छोड़ी है, अब उसको अजर नहीं मिलेगा, अजर नहीं मिलेगा, उससे कहे पीता रहे, जिस दिन उसके अंदर चाय का जज्बा यह पैदा होगा कि यह फजूल खर्ची है फिर अजर मिलेगा, लेकिन लिहाजा अब पी। और जब आखिरी वक्त था ना, कहते हैं दिल से नहीं मिलता, आखिरी वक्त था, बाप का मुखालिफ, बाप की निस्बतों का मुखालिफ, बाप का मुखालिफ नहीं, बाप की निस्बतों का, बाप के काम का, बाप की तरतीब का उसे कोई समझ नहीं। कहते हैं आ इलियास, आ यूसुफ, अब हम तो चले। और खुद इतना सा जिस्म और उसको दिल पे सीने पे लिटाया और लिटाया, और दोनों रोते रहे और रोते रहे और रोते रहे, और ये निस्बत दिल वाली उस दिल में मुंतकिल हो गई और आपस में इत्तहाद हो गया। इसे निस्बत इत्तहाद ही कहते हैं, एक निस्बत इनकासी होता है, ये इत्तहाद हो गया यानी मुत्तहद हो गए, जैसे तू था अब मैं हो गया। रोते 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 जब सीना दिल से हटा और शेख रुखसत हो गए, अब्बा को दफन कर दिया, रात को सुबह उसी मिंबर पे बेटा बैठा है, अब जिस्म पे बेटे का है और जुबान अब्बा की है, वही बोल है, वही बोल है, वही दर्द है, वही सोच है, वही सोज है, वही साज है, वही कैफ है, वही वजद है, वही विजदान है, दिल से मिलता है। किसी दिल वाले के साथ दिल लगाओ, किसी दिल वाले के साथ दिल जोड़। इसके लिए जरूरी नहीं कि तेरा शेख हर वक्त तेरे करीब बैठा रहे, ना ना, वैस करनी तो देखा ही नहीं था, तुझे किसने कहा है, वैस करनी नहीं तो देखा ही नहीं था, क्या देखा था बोले, ज़ियारत की थी मेरे आका की, उसे तो देखा नहीं था। उमर और अली, हजरत उमर और अली रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को मैं जाए उससे जाके दुआ कराए, देखा ही नहीं था, बिन देखे सौदे किए बैठा था, बिन देखे इश्क में नाजो नियाज में घुला बैठा था, बिन देखे अपनी जिंदगी में रचा बसा बैठा था, बिन देखे वो अपने आप को पिघलाए बैठा था। हाँ, देखना बाज़ोकत जरूरी नहीं, बिन देखे ही अंदर अंदर दिल की दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। जब इश्क सच्चा हो, विजदान सच्चा हो, जज्बा सच्चा हो, ना गवारियां न हो, बदगुमानियां न हो, शक न हो, वसवसे न हो, फिर अंदर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। फिर पता चला कि मेरे आका का दांत मुबारक शहीद हुआ, फिर एक दांत तोड़ा, कहा कि क्या पता ये टूटा हो, फिर दूसरा तोड़ा, क्या पता ये टूटा हो, फिर सारे ही दांत तोड़ डाले, क्या पता ये टूटा हो, ये टूटा हो, ये टूटा हो। जब इश्क सच्चा होता है फिर बिन देखे भी वो दिल के अंदर से दिल नूर मुंतकिल हो जाता है।
और अगर इश्क सच्चा ना हो, सामने बैठे हुए मुनाफिकीन थे, साथ रहता हुआ अबू जहल बन गया, और हालांकि हालांकि कुर्ब था, कितनी दफा आंखों से आंखें टकराई होंगी, 100 दफा से ज्यादा मेरे आका मदीने वाले अबू जहल के दरवाजे पे गए थे। ईमान ले आओ, इश्क हो तो दोनों बेटियां अबू लहब के बेटों को दो थी मेरे आका ने। कायनात की अजीम हस्तियां मेरे आका की दोनों बेटियां मुबारक, कायनात की अजीम वजूद मुकद्दस वजूद वो दी थी निकाह में। उसने बगैर बगैर रुख्सती के दोनों बेटियों को तलाक दे दी। वो भी तो अबू लहब था जो इतना करीब था, जिसको मेरे जिसके दोनों बेटों को मेरे आका ने दोनों बेटियां अपने निकाहों में दे दी, निकाह कर भी दिया। वो भी तो जिस्म था, उसने भी तो देखा था, पर सोच सोच में फर्क, नजर नजर में फर्क, उसने बिन देखे अपने इश्क में इंतहा कर दी, इन्होंने देखे अपने बुग्ज में इंतहा कर दी। अबू जहल ने अपने बुग्ज में इंतहा की, अबू लहब ने अपनी नफरत में इंतहा की, और उवैस करने ने अपने इश्क और मोहब्बत में इंतहा की। अबू जहल भी एक नमूना है, उवैस करनी भी एक नमूना है। अबू जहल भी कह रहा है कि नफरत सीखनी है तो मुझसे सीख, मैं सारी उम्र नफरत में रहा नऊज़ु बिल्लाह, और आखिरी वक्त में जब मैं नीम मुर्दा हो चुका था और सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने मेरा सर कलम कर रहे थे, तो उस वक्त भी नफरत के इंतहा में कहता है जरा सर नीचे करके काटना, सरदारों की गर्दन हमेशा ऊंची होती है। इंतहा है, इंतहा है। फिरौन भी आखिरी वक्त में कहने लगा आमन तो रब्बे मूसा व हारून, में मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। जब डुबकियां लगी, डुबकियां लगी, कहते मैं ईमान ले आया, अल्लाह ने फरमाया आप तेरा ईमान कबूल नहीं। आखिरी वक्त अबू जहल का, उसके बुग्ज की, उसकी नफरत की इंतहा, कि उसने कहा मेरा सर जरा नीचे करके कहना और एक पैगाम दे देना मोहम्मद को कि आज अब भी मैंने तुझे नहीं माना। अल्लाह अकबर। एक तरफ मैं इश्क देखता हूं वैस करनी का, जिसने बिन देखे अपने सारे दांत तोड़ दिए, और बिन देखे मदीने वाले के साथ इश्क की इंतहा कर दी, और बिन देखे मशीने मदीने वाले को माना, और ऐसे माना कि मदीने वाले के अजीम दोस्तों को फरमाया जाओ उससे जाके दुआ कराना। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अली करम अल्लाह जाके उससे दुआ कराना। और एक तरफ अबू जहल की वो जिंदगी है कि सारी उम्र लड़ता रहा, अब भी बदर में लड़ता लड़ता माज और मावज दो छोटे बच्चों के हाथों मरा, लेकिन मरा नहीं था, और सर कलम करने बंदा गया तो उससे नीम गनूदगी में पूछा कौन, उसने कहा फला, उसने कहा चला जा तो कमी है मेरा सर को बड़े हस नस वाला आए। होय 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 होय। और फिर गए तो उनका कौन, कहा फला, हाँ ठीक है पर मेरा सर नीचे करके काटना, और कह देना अपने मोहम्मद को, सारे कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रब मेरी मोहम्मद के दुरूद सलाम और बढ़ा दे। 70,000 फरिश्ते आते हैं, 70,000 फरिश्ते जाते हैं, अल्लाह वो दुरूद सलाम की बरकत का हिस्सा मुझे आपको भी अता कर दे। कह देना मैंने आज अभी तक भी आपको नहीं माना। ये अंदर के वजूद पे मेहनत है, इसके लिए जरूरी नहीं जो मैंने अपने मुर्शिद की बात कही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अपने मुर्शिद की खुशबू में रचा बसा रहता हूं, मैं बकी में जाता हूं कुछ लम्हे बैठा रहता हूं, मुझे मेरे मुर्शिद की खुशबू आती है, मैं बैठा बातें करता रहता हूं, कभी आंसू भी गिर जाते हैं और फिर कहता हूं मौला तू ही पहुंचाएगा। नमाजों का झटका लेके उठ बैठता हूं कि मुर्शिद की आवाज थी तारिक, एक मखसूस लहजा था जिसमें जलाल था, फिर कहता ना तारिक अब तो अगर मुलाकात क्यामत के दिन हो भी गई तो बड़ी बात है, कि वो तो जन्नत में होंगे तेरा पता नहीं है, क्योंकि जन्मी और जन्नतियों की मुलाकातें नहीं होगी, जन्नतियों और जन्नतियों की मुलाकातें होंगी, जन्नतियों और जहन्नमियों की मुलाकातें नहीं होंगी। इस दिल की दुनिया को मेहनत कर, मैं भी आप भी, ये अंदर का इंसान जिंदा हो जाए,
फिर अल्लाह के नाम की लज्जत मिलेगी, सुरूर मिलेगा। मैं एक सांप के पास जा रहा था, साबरी कवाल की कवाली लगी हुई थी, नहर के खानपुर शहर में, नहर के किनारे हम सुबह की सैर कर रहे थे, कवाली लगी हुई थी एक जगह, और कवाली से पहले उसकी एक म्यूजिक का अंदाज है जिसके बाद कवाल बोलता है, पहले म्यूजिक था। मुझे देख के कहने लगे, वाह, कई साल पहले, कई साल पीछे इस म्यूजिक ने मुझे धकेल दिया है, दिल की तारे बजने लग गई हैं। मैं बहुत म्यूजिक सुनता था, पर मैंने अल्लाह से अहद कर लिया, मौला दिल तो खुद ही तूने दिया था ना ऐसा, जिसके अंदर इश्क भी था, हुस्न भी था और हुस्न परस्ती भी थी और म्यूजिक परस्ती भी थी। अब इस दिल को मैंने तेरी तरफ मुतवज्जे किया है मौला, कभी कभी तारे मुझे, जब ये म्यूजिक की तारे मेरी तारों को छूती हैं तो मेरे अंदर बजने लग जाता है, पर तेरा खौफ होता है। मैं फिर अपने आप को संभाल लेता हूं। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए और खुद ही मुझे कहने लगे क्या इस पर मुझे अल्लाह अजर नहीं देगा, मेरे दिल में म्यूजिक की मोहब्बत अल्लाह ने डाली ना। और फिर कभी कभी म्यूजिक बजता है तो मेरी तारें बजने लग जाती हैं। एक मिरासी था, किसी मस्जिद में इमाम बन गया और वहां सख्ती से मना किया, सख्ती से, कि यहां बारात जो है जब आएगी तो उसमें ढोल वगैरह नहीं होंगे। उन्हें कहा सुभान अल्लाह, कोई पहुंची सरकार आ गई, सौर थोड़ी जख मारे पहुंची सरकार आ गई। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी कि इस हजरत को आए हैं बड़े, उन्होंने कहा इमाम साहब इस बस्ती में कोई बारात आएगी उसमें ढोल बाजे बजाने नहीं होंगे। तो एक दफा वो बारात आ गई, कोई डाडा बंदा होगा या उन्हें पता नहीं होगा, वो ढोल के साथ जो है वो सारे के सारे रकूओं में थे और वहीं उन्होंने धमाल शुरू कर दिया। एक साथ थे, उनकी बीवी ने ना, उन्होंने बीवी को सताया, बीवी को बहुत सताया, जी भर के सताया। तो बीवी कहा कि अब उधर से कोई ताकतवर उसके कुछ ससुराल वाले थे, उन्होंने कहा बीवी को मना, उन्होंने कहा बीवी को मना। वो कहने लगा, उन्हें कहा हमारी शर्त है, उन्होंने कहा मनाता हूं जैसे कहोगे। उन्होंने कहा मिंबर पे खड़े होकर ढोल बजा, मस्जिद में जुमे का दिन हो और मिंबर हो और उसमें खड़े होकर ढोल बजा, फिर हम तुझे माफ करेंगे। भाई गन पॉइंट होगा, कहने लगा करूंगा। अब परेशान है कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आती, मैंने कह दिया कि मैं मिंबर पे खड़े होकर ढोल बजाऊंगा और मस्जिद का मिंबर जुमे का दिन था, भी इलाके का मौजूद बड़ा था, चौधरी था, और उससे जो ससुराल वाले थे कोई उससे बड़े चौधरी थे। उन्होंने बीवी अगर बसानी है तो फिर यही शर्त है, मिंबर पर खड़े होकर ढोल बजा। उसने कहा ठीक है। किसी बड़े सियाने ने उसके कान में कोई बात कह दी। जुमे का दिन मिरासी को बुलवाया, ढोल लिया और ढोल लिया, अपने गले में ढोल डाला, सारे देखे हैरान, चौधरी साहब खोल डाले। जुमे में मस्जिद में मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, कह रहे हट जाओ, हट के ना ढोल करके कहने लगा लोगों बात सुनो, तुम्हें पता है मैं ना मौलवी हूं, ना मुझे पता है कुछ दीन का, पर तुम्हें पता है कि ढोल बजाना हराम है। फिर बजाया, कहा इस तरह बजाओ तो हराम समझ गए। अच्छा फिर और तरह जोर जोर से बजाया, उसने कहा था ढोल बहुत देर बजाना है, ऐसे करना है, अगर इस तरह बजाओ तो हैरान। फिर हाथों से बजाया, कहा इस तरह बजाओ तो हैरान। फिर सर पे उठा के बजाया, इस तरह बजाओ तो पता है ना हराम है। मौल से मजीद मसला आप समझा दो, अस्सलाम वालेकुम मजीद मसला आप समझा दे, कसम पूरी हो गई, चल भाई। उन्हें कहा तेरा घर बस गया, चल जाओ, इस तरह बजाए तो हराम, इस तरह बजाए तो हराम।
कमाल है कि अंदर एक शौक है। मेरे मन में थी बड़ी चाहते, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जत है। शौक है कहने लगे तार बजीना ऐसे कवाली की, मुझे कहने लगे अंदर मेरी है, पर अल्लाह से कहता हूं मौला ये अंदर का शौक तो तूने ही दिया था, तूने ही दिया था जो पैदाइशी है। कल मेरे पास एक मरीज आया, मुझे कहने लगा ये राज है मेरा, किसी को पता नहीं है, मैं मर्द हूं लेकिन अंदर से औरत हूं। मेरा जी चाहता है मैं सुर्खी लगाऊं, पाउडर लगाऊं, मेकअप करूं। मेरी उम्र 39 साल है, मेरे दो बच्चे हैं, मेरी बीवी को खबर नहीं, मेरे ससुराल को खबर नहीं, और मुझे कोई दिलचस्पी औरत से नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी दुनिया कुछ और है, मेरी जिंदगी कुछ और है। मैंने नेट पे आपके दर्द सुने, मैं फलां शहर से दूर से चल के आया हूं, और उसके आंसू थे, कहता कुछ हल है कि मैं बदल सकूं। यकीन जानिए मैं कुछ हल है मैं बदल सकूं। 39 साल का हो गया हूं, मैं अंदर से तो औरत हूं, मैं अंदर से औरत हूं, बाहर से मर्द हूं, बीवी है, बच्चे हैं, मेरा तेरे मेरे बस में नहीं है। और मेरी यकीन जानिए मैं फिर रात को बहुत रोया, मैंने कहा मौला तूने कितना कर्म बढ़ाया कि हमें मर्द से मर्द रखा, अगर औरत है तो औरत रखा। मौला इसका दिल तो तेरे बस में है, तूने आजमाइश के तौर पे इसका दिल फेर दिया, अगर हमारा भी ऐसा होता तो हम क्या करते हैं। दिल 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 मैं बाजुकात उस दिन मैंने अल्लाह को एक चीज दी और एक चीज मनवा ली। मेरा एक मसला था, अल्लाह मुझे इतने पैसे चाहिए, इज्तमा का खर्चा था, मैं अल्लाह मुझे दे, मैं अल्लाह को एक चीज दी। मला माल तू जानता है मेरे कुत्ते, मुझे कुत्ते पालने का शौक है, आपके लिए एक नया इंकशाफ है हकीम तारिक का, अपने दिल की बात बता रहा हूं। कुत्ता हो बड़ा सारा हो खोते जितना हो, बड़ा मुंह हो उसका खतरनाक किस्म का कुत्ता हो, बड़े बड़े कुत्ते हो, मैं असल में जिम्मेदार का बेटा हूं, ताजर का भी हूं, मेरे वाले साहब ताजर भी थे, और जिम्मेदारों वाले शौक पुट्ठे। कुत्ता हो बड़ा सारा खतरनाक किस्म के कुत्ते हो, 8-10 कुत्ते हो, को नौकर हो, उनको खिला रहे हो गोश्त हो, फिर मैं उन पे हाथ फेर, ये मेरे तखयलात की दुनिया है, मेरा इमेजिनेशन है, मैं उन पे हाथ फेर रहा हूं, और कोई कुत्ता हो मेरा हाथ चाट रहा हो, कोई मेरी जूती को चाट रहा हो, ये कुत्तों का शौक शुरू से, लेकिन आज तक एक कुत्ता नहीं पाला, और एक कुत्ते पे उसके नाम की मोहब्बत है, एक कुत्ते पे भी तवज्जो नहीं गई, पर एक दिल के अंदर एक जज्बा, जैसे वो कहते हैं अंदर से लोगों को पता नहीं है, आज मैंने आपको अपना अंदर बता दिया, हकीम तारिक का अंदर, हकीम तारिक का अंदर, आज तक पता था मेरे अंदर की आपको कैफियत बताऊं। मैं कल मैं गया साथ हमारे चर्च है, वहां के पादरी बड़े अच्छे इंसान हैं, उनसे मिलने के लिए उनके कुत्ते खड़े थे सामने, बड़े बड़े कानों वाले मोटे मोटे कुत्ते। मैंने कहा इसके बच्चे कहां हैं, कह रहे जी बच्चे तो हमने दे दिए। मैंने कहा तूने मुझसे पूछा नहीं मुझे बच्चे देने थे, कि सर आपने बताया नहीं एंड तो आपको दूंगा। सर आपने बताया नहीं एंड हुए तो मैं आपको दूंगा। हमारे यहां GR2 में हमारे होते थे अल्ताफ कमर साहब, उनको किताबों का बड़ा शौक था, एडिशनल IG रिटायर हुए अभी, फेज 8 में रहते हैं लाहौर में, तो उनके घर जाना होता था, तो उनके घर के दरवाजे के ऐसे दाखिल हों तो दाएं बाएं तरफ छोटे छोटे कुत्ते होते थे मिट्टी के बने हुए, उनके अंदर बल्ब लगे हुए होते थे, कुत्ते ना कुत्ते, उनके अंदर बल्ब लगे हुए थे। वो उस दौर के मेरा उनसे ताल्लुक था जब वो SP थे, उनसे ताल्लुक था। मुझे मुझे अक्सर जब जाते थे कहते थे कि देख लें आपका शौक ये है मुझे। मैंने अल्लाह से कहा, मैंने कहा मौला तू जानता है मुझे कुत्तों का शौक है, लेकिन आज तक मैंने कुत्ता पाला नहीं, मौला मैंने कुत्ते को देखा नहीं, मैंने कुत्ते को हाथ नहीं लगाया, इसलिए तेरे मदीने वाले ने फरमा दिया हराम है, खत्म, बस खत्म, मेरे सामने यही चीज है,
मौला में एक मेरा शौक है, एक तेरे तेरे मदीने वाले का शौक है। मैंने अपने शौक को, और वो भी तो तूने दिल में डाला था, मैं तो बेबस था, मैंने अपने शौक को तेरे मदीने वाले के शौक पे कुर्बान कर दिया। अब भी जहां कोई कुत्ता देखता हूं अंदर एक पल के लिए ऐसी कैफियत होती है, फिर कहते हैं नहीं ये मेरी जिंदगी नहीं, ये मेरा मैदान नहीं, ये मेरा शौक नहीं, ये मेरा जज्बा नहीं। मौला तू जानता है अगर ये तेरे लिए, तू जानता है अगर ये तेरे लिए है और दुनिया के दिखावे के लिए नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा आपको बता रहा हूं, अगर ये तेरे लिए है तो फिर मेरी जरूरतों को गैब से पूरा भरो, मेरी जरूरतों को गैब से पूरा फरमा, मुझे दर दर का भिखारी ना बना। मुझे दर दर का मोहताज ना बना। लोग मेरे बारे में कहते हैं बहुत मालदार है, पर तू ही जानता है, तू मेरी जरूरतों को गैब से पूरा फरमा। मैंने तो कितनी दुआएं इस शौक के तफाइल रब से कबूल कराई, कितनी दुआएं, मैंने अपने नानी अम्मा से पूछा, अपने बड़ों से पूछा, कोई हमारे बड़ों में कोई था ऐसा जो कुत्ते पालता हो? अल्लाह के फजल से बाप दादा से खुशहाल थे, उन्हें कहा नहीं कोई ऐसा नहीं था जो कुत्ते पालता हो, जो कुत्ते रखता हो। दिल के अंदर एक शौक था, दिल के अंदर एक जज्बा है, मौला तूने डाला है, अब इस शौक और जज्बे को तेरे लिए मैंने कुर्बान कर दिया। एक जवान मुझसे कहने लगा, मैं घर की ईद जुहा की नमाज पढ़ के घर की छत पे गया, लोग गाय कोई बकरा कोई ऊंट कोई बच्चियां जबा कर रहे, खून बह रहा, और मेरे पास कुछ नहीं था, हमारे घर में गुर्बत थी। मैंने ऐसे आसमान की तरफ देखा और कहा मौला मेरे मुर्शिद ने मुझे कहा था कि अगर कोई चीज भी ना हो, कोई ऐसी चीज कुर्बान कर दो अल्लाह के लिए जिससे तुझे मोहब्बत हो। मौला मेरी एक फलां से मोहब्बत थी, आज मैं उस पर छुरी पेरता हूं, उसको कुर्बान करता हूं। कोई मेंढे कोई बकरे कोई दुम्बे कोई गाय कोई चीज जबा कर रहा उस पर छुरी पेर रहा, मौला आज मैं अपने उस शौक पे अपने उस जज्बे पे छुरी फेर देता हूं, तेरी खातिर कुर्बान कर देता हूं, और आज के बाद मेरी वो मोहब्बत खत्म। कहा कि वो दिन और आज का दिन उससे फिर मोहब्बत नहीं रही। इन सलाती व नुसुकी, मौला मेरा नमाजें मेरा जीना मेरा मरना बस तेरे लिए है। रजे तो बिल्ला है रब्बन, मौला मैं तुझे रब, तू रब है, मैं इस पर राजी हूं, और मैंने राजी हो गया और मैंने कबूल कर लिया। अंदर कोई शौक है, अंदर कोई जज्बा है, मैं आज आपको अपनी मिसाल दी है, और मैंने अपने इस जज्बे से, मुझे कोई शौक नहीं है ना है, ना मैंने कुत्ते पाले हैं, ना मैंने कुत्ते वालों को कभी तकवियत दी है। मैं बिलियों की खिदमत करता हूं, मेरे मदीने वाले ने बिलियों की खिदमत की, मैं परिंदों की खिदमत करता हूं, मैं इंसानों की टूटी फूटी खिदमत करता हूं, लंगर चलता है अल्लाह के फजल से, जो लंगर अभी आप खाएंगे इसमें कोई जकात फितराना उशर वगैरह नहीं है, क्योंकि ये जकात फितराना उशर गरीब खा सकते हैं, मालदार तो खा ही नहीं सकता, जो खुद जकात फितराना उशर देने वाला वो कैसे खा सकता है। ये लंगर जो खा रहे हैं तस्बीह खाने का अल्लाह के फजल से अपना मुकद्दर अल्लाह ने दिया है, इसमें कोई ऐसा माल नहीं, लेकिन वो चीज अंदर अंदर है अंदर। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जब इस आखिरी सांस थे, हा, एक गुलाम आया, उन्हें पता है, उसने दुखती रख पे हाथ रखा। उमर बिन अजीज जब गवर्नर थे आला पोशाकें होती थी, जब गवर्नर थे खुशबू के कजारे ऊंट उठाते थे, जब गवर्नर थे उनके सूटों के ऊंटों की कपड़ों की लाइनें होती थी, जब गवर्नर थे प्यार और मोहब्बत की कहानियां होती थी, जब अमीरुल मोमिनीन बने पौने तीन साल तकरीबन रहे, पौने तीन साल अमीरुल मोमिनीन, फिर यह था कि आखिरी वक्त में कपड़ा पोशाक मैला थी मैली थी, शहजादे आए, बादशाह की बेटी थी अब्दुल मलिक की बेटी थी फातिमा उनकी बीवी, कहने लगे बहन कपड़े तो बदल लेती,
कहने लगे यह एक ही चोला है, उतारती हूं धो लेती हूं, कई दिन से बीमार है, उतारने का मौका नहीं मिला। तो गुलाम आया, उसने आके एक औरत का नाम लिया, लौंडी थी। उस दौर में लौंडियां हलाल को रखेल दाश्ता अफेयर नहीं था, लौंडी उससे मोहब्बत थी। तो उसका नाम लिया तो देख के कहने लगे, तो उसने कहा उससे मोहब्बत, कहा पहले से कहीं ज्यादा। जवाब क्या दिया, पहले से कहीं ज्यादा। तो कहा फिर, कहा जब से उसकी राहें देखी हैं, वो मोहब्बत अंदर मौजूद है, लेकिन उस करीम की मोहब्बत ने सारी मोहब्बतों पे पानी, लफ्ज पानी मैं कह रहा हूं वो लफ्ज कोई और है, यानी गालिब कर दिया अल्लाह की मोहब्बत उन मोहब्बतों के, जिसको मैं अक्सर शेर में एक बात कहा करता हूं, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। अब कोई एतराज करने वाला कहे कि हकीम तारिक तो कुत्तों का शौक है, तो कह सकता है, लेकिन वो मेरी बात पहली कोड करे और दूसरी कोड ना करे। हकीम तारिक कहते हैं मुझे तो ये शौक है, मैं कहता हूं ये मिसाल मैंने अपनी दी है और देके फिर आपको बताया है कि आपके दिल में कोई शौक है, कोई जज्बा है, कोई हराम का या किसी चीज का, इस जज्बे के होते हुए वो हराम को मैंने पूरा नहीं किया, अब उस जज्बे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया कि मौला ये जज्बा है तू जानता है, पर तेरी रजा की खातिर, तेरी खातिर मैं इस जज्बे को तेरे लिए कुर्बान करता हूं। अल्लाह बड़ा करीम भी है और अल्लाह बड़ा गयूर भी है, और अल्लाह हक वालों को हक देने वाला है, अल्लाह किसी का हक ना मारने वाला है ना हक रखने वाला है। मेरा रब उसके बदले में दुनिया की बरकतें, राहतें, खुशियां, कामयाबियां, और तो उस वक्त जो अल्लाह से जरूरत मांग तेरी, अल्लाह उस वक्त जरूरत पूरी करता है। मेरा रब जानता है, 39 साल का जवान दो बच्चों वाला कहता है मेरे अंदर को बदल दे, मैं क्या करूं, मेरे अंदर को बदल दे, मेरा जी चाहता है वो सब कुछ हो जो औरत हो, वो सब कुछ हो, मेरे अंदर को बदल दे, मैं बेबस हूं। इस बेबसी की कैफियत में जब इंसान पूरी कुर्बानियां देता है, पूरी मिन्नत और मेहनत करते हैं अपने मन पे तन पे, इसका रब बड़ा कदरदान है, रब बड़ा कदरदान है, रब बड़ा कदरदान है, रब बड़ा कदरदान है, अल्लाह वालो कदरदान है। हां मेरा रब बहुत कदरदान है। कुछ फैसले मुझे आपको करने होंगे इस दिल के लिए, उजड़े दिल को आबाद कर, कर घन अमल अज वक्त है, ए तेरा नाजिक बदन थी सी जमी अंदर दफन, पोशाक हो सी तेरा कफन, कर घन अमल अज वक्त है। इस दिल के लिए कुछ करना होगा, दिल की चाहतें, इसी को मैं शेर में कहता हूं कि आरजूएं खून हो या हसरतें पामाल हो। आरजू है ना, कुत्ता हो, मोटे सर का, बड़े बड़े कानों वाला, बड़े बड़े वजूद वाला, और मोटा नाक हो, खतरनाक चेहरा हो, और फिर चले तो जमीन हिले, इतना भारी हो, उसको कोई गोश्त खिला रहा, कोई उसकी मालिश कर रहा, कोई उसको खिदमत कर रहा, आए मेरा हाथ चाटे, मुझसे प्यार करे, मेरा पांव चाटे और मेरे सामने रहे, एक ये मेरे मन में थी बड़ी चाहते, एक ये आरजू है खून हो या हसरतें, या आरजू है लेकिन खून हुई, खून हुई नहीं मौला ना, मेरे सामने तेरी, तेरा हुक्म है, मेरे सामने तेरा हुक्म है। वो कुत्तों से मोहब्बत का जज्बा था, मैंने मौला तेरे बंदों से मोहब्बत करना शुरू कर दी, तेरे बंदों की मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया, वो जज्बा बदला और तेरे बंदों से मोहब्बत है कि अल्लाह इनके घर आबाद कर दे, ऐसे आमाल दूं, इनकी जिंदगी आबाद कर दे, ऐसे आमाल फैलाऊं, इनको खुशियां लौटा दे, ऐसे आमाल दूं, ऐसे टोटके दूं रूहानी तिब्बी, इनकी नस्ल शाद आबाद हो जाए, अल्लाह इनके रिस्क की तंगियां दूर हो जाए, ऐसे आमाल और ऐसे ये मखलूक से मोहब्बत, वो जज्बा बदला, कन्वर्ट हुआ, वो जो उधर जाना था वो सारा इधर आ गया, और इधर आते ही रब ने मखलूक खुदा का ठाटे मारता हुआ एक निजाम दे दिया, ठट के ठट दे दिए। वो जज्बा था जिस जज्बे के अंदर
कुत्ते थे। हाँ, हजरत दीन पूरी रहमतुल्लाह अलैह, एक शिदानी शरीफ जगह है, वहां काले मियां होते थे, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, फौत हो गए, कुत्ते पालते थे। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के खानदान में से थे, कुत्ते बहुत बड़े बड़े पाले हुए। अल्लाह वालों का अंदाज देखे, हजरत करीब से गुजरे तो वो दौड़ के आया, हजरत तशरीफ लाए, और एक दफा हजरत ने खुद जाके उनके मिले, तो जब मिले ना वो कहने लगे सही माता कुत्ते पाली खाना, मेरी क्या औकात। मान लगे हजरत फरमाने लगे फकीरा सारे दिन तो ये एक कुत्ता नहीं झली दा, तो सारे कुत्ते झली खड़ी। अपने मन और नफ्स की तरफ इशारा करके कहने लगा, हजरत फरमाने लगे हमसे तो ये एक ही कुत्ता नहीं बंधा जाता, तूने तो इतने कुत्ते बांधे हुए हैं, फिर तो वाकई तू जो हमसे ऊंचा हुआ। अल्लाह वालों का अंदाज देखें। इस दिल के ऊपर मेहनत करें, इस दिल को बैठ बैठ के तोलें, दिल से पूछे हां बता तेरे शौक क्या क्या है, आज बता, तेरे लिखता जा, मेरे ये शौक है, मेरे ये शौक है, मेरे ये शौक है। अच्छा सबसे बड़ा बता दिल तेरा शौक क्या है, तो दिल बोलेगा कहेंगे मेरे मेरे ये शौक हैं, फिर उसके शौक लिख, फिर दिल से बैठ के बातें कर। जा रहे थे, सख्त गर्मी थी, सामने हब हब था, हब हब कहते हैं तरबूज को, दिल कहता है तरबूज खा ले, कहने लगे कैसे खाएगा, पैसे ही नहीं है जेब में, छोटा मोटा किराया रखा हुआ है, वो जाना है। वो कहने लगे नहीं दिल बड़ा चाह रहा, गर्मी है और तरबूज भी बड़ा ठंडा और मीठा है, बड़ा लजीज है, खा ले। फिर अपने दिल के साथ ऐसी कशमकश करते 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 कहने लगा अच्छा ऐसा कर तरबूज जो है वो उधार ले ले, तू मौजूद आदमी है, तेरी उधार तुझे दे देंगे। फिर कहने लगा कैसे उधार अच्छी बात नहीं, ये अपने दिल से बातें कर रहा, अपने दिल से उधार अच्छी बात नहीं। फिर आखिर कर कहने लगा दिल तू ही उधार कर ले, वो दे ना दे फिर खा लेंगे, दिल तू ही उधार कर ले, वो दे ना दे चलो फिर खा लेंगे। फिर चल पड़े, दिल को ऐसे मनाएं, दिल को ऐसे समझाएं, दिल को ऐसे बहलाएं। साबा बहलाते थे, साबा बहलाते थे, हाँ गोश का टुकड़ा, खुश गोश का टुकड़ा खा रहे, और आवाज लगी इस्लाम का झंडा गिरने को है। उस दौर में लश्कर में झंडा ऊंचा होता था तो मुजाहिदीन झंडे को देख के कहते थे हम फतह में हैं, यूं झंडा गिरा पांव उखड़ जाते थे, हवा खत्म हो जाती थी, ताकतें पिस्पा हो जाती थी। इस्लाम का झंडा गिरने को है, ये खुश्क जो होश खा रहे हैं, कहते हैं ओ गिरने को है, झंडा हिल रहा है कि मालूम होता है कि झंडे उठाने वाले का एक हाथ कट चुका है, दूसरे हाथ से वो बड़ी कमजोरी से और बातिल उसको गिराने पे है। तो एकदम गोश्त का टुकड़ा फेंका और कहा चल, फिर अंदर बोला कहने लगा अच्छा मुझे रोकता है, अगर बीवियों का तेरे दिल में जज्बा है तो जा सारी बीवियों को तीन तलाकें, अगर माल का जज्बा है सारा माल सदका हदिया, और अगर गुलामों का जज्बा है तो जा सारे गुलाम मैंने आजाद कर दिए, अब बता बचा क्या। दिल को समझा रहे साहबा आहले बैत, दिल को समझा रहे, दिल को समझा रहे, जैसे तरबूज वाला दिल को समझा रहा, साहबा दिल को समझा रहे, बीवियां सब तलाक, माल सब सदका और गुलाम सब आजाद, क्या बचा चल, और गए और अल्लाह की राह में जान दे दी। इस दिल को समझाना पड़ेगा, इस दिल को बहलाना पड़ेगा, ये बहल बहल के ही फिर बहल जाएगा, इस दिल को बहलाना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों से ना बहला बहला के दुआएं करवाता हूं, बहला बहला के। मैं रात बच्चों को तेल लगा रहा था, उनके सर को तेल लगाता हूं, मालिश करता हूं। आप बच्चों को वक्त देते हैं? होगा तो देंगे, घर जल्दी पहुंचेंगे तो देंगे, मोबाइल बंद करेंगे आफत ज्यादा चीज, और वो जो अंदर जिसके बंदा बोल रहा वो एक डब्बा होता है जिसको स्क्रीन कहते हैं, एलसीडी कहते हैं, वो बंद होगा तो बोलेंगे। अच्छा मैं तेल लगा रहा,
तेल लगा के ना अराउंड 2.5 साल का तकरीबन उसके पाँव की हथेलियों को तेल लगाते लगाते मैंने उसके पाँव को मुंह पे मलना शुरू कर दिया, फिर उसको पाँव के आंखों पे डाला। मैंने कहा सही, इन पाँव ने तो कभी गुनाह देखे ही नहीं, इन पाँव ने तो कभी गुनाह सोचा ही नहीं, इन पाँव ने तो कभी नाफरमानी का गुमान ही नहीं किया। सही, इस चेहरे को दुनिया आखरत की जिल्लतों से बचा, जहन्नम की आग से बचा इन मासूम पाओ की वजह से। फिर उनके सारे मासूम पाओ और सर पे जो तगा मेरे तेल था मैंने मुंह पे मल दिया। इस दिल को बहलाना पड़ेगा, किसी राहें दिखानी पड़ेंगे। ये दिल, ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहां है, तू हल्के यारा में जरा मोहतात रहा कर, खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ा कर, मैंने ही तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। वो मिल भी गया मिट भी गया मौज हवा में, अब रेत पे सिर्फ मेरा नाम लिखा कर। आपका दिल आपके हाथ में है, आपका दिल आपकी जिंदगी में है, तो फिर वजीफा यू जाके असर करेगा। मुझे एक साहब कहने लगे, मैंने मैथ वाली कॉपी ली जो मैंने अमल बताया हुआ है आपको, जिसके हर खाने में या अल्लाह लिखना है। कहने लगे मैंने कहा ये पूरी कॉपी मैंने अपने दिल के लिए, कि दिल अल्लाह की जात की तरफ मुतवज्जे हो जाए और दिल मदीने वाले से की तरफ माइल हो जाए और दिल अल्लाह की तरफ ऐसा मुतवज्जे हो कि मेरे दिल की दुनिया बदल जाए, मेरे मन की दुनिया बदल जाए, मेरी सोचों की दुनिया बदल जाए, मेरे जज्बों की दुनिया बदल जाए, मेरे विजदान की दुनिया बदल जाए, मेरे शौक की दुनिया बदल जाए, मेरे रिवाज की दुनिया बदल जाए, मेरे सोच साज की दुनिया बदल जाए। कहने लगे मैंने इस तसव्वुर के साथ कॉपी लिखी पूरी, रोज एक सफा दो सफे तीन सफे जितने भी हैं लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा, और हर लफ्ज के लिखते हुए मैं अल्लाह को ऐसे जैसे दरखास्त एप्लीकेशन लिख रहा हूं, लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा। और लिखते 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 का जब कॉपी हुई बंद, मैंने उसको दिल पे रख के अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी, मौला तू जानता है मैंने रोटी के लिए रोजी के लिए रिस्क के लिए दौलत के लिए माल के लिए तरक्की के लिए इक्तदार के लिए हुस्न जमाल के लिए किसी मुराद दुनिया की ख्वाहिश मुराद के लिए किसी के लिए नहीं लिखी ये एक कॉपी, और हर कॉपी के हर हर्फ में तेरा ध्यान तेरी जात का ताल्लुक तेरी जात का विजदान मैंने इसलिए लिखा, मौला इस दिल को आबाद कर दे। कहने लगा कि वो एक कॉपी मेरी काफी हो गई, उसको ऐसे मैंने जज्बे से अल्लाह की बरकत रहमत से लिखा, एक कॉपी काफी हो गई, अब मेरा दिल है जो हवाओं में उड़ता उड़ता फिरता है। कहने लगे आप मेरे मुर्शिद और पीर और शेख हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं आप मेरा दिल पढ़ लें, मैं सच कह रहा हूं, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा, मेरा दिल दोहों का दिल पढ़ लेता है, मेरा दिल झूठ देख लेता है, मेरा दिल धोखे देख लेता है, फरेब देख लेता है। और कहने लगे एक दफा मैं सामान लेने गया, रात का वक्त था, रात का वक्त था, मैंने कहा मुझे फल दे दे, उसने रात के वक्त में शापर में सारे गले फल उठा के डाल के तोल के दे दिए। मैंने उसे कहा कि इसमें इतने फल गले हुए हैं इतने साफ हैं, उसने कहा नहीं सारे साफ हैं। कहने का है उसके तराजू के अंदर मैंने डाला उतने ही थे, मैंने कहा तुझे, मुझे कहने लगा बाबा जी दुआ कर देना। कहा मैं सारे फल ले आया, कि गरीब से कोई बात नहीं मैं ले आया, पर उसे मैंने कहा फल मैंने पढ़ लिए। और कहा मुझे कहने लगा मैं तस्बीह खाने में आता हूं तो बाज चेहरे मुझे इंसान बाज अजीब नजर आते हैं, मैं क्या करूं मुझे शर्म आती है। हां कहने लगे मैं बाजार में जा रहा था, बाजार में जा रहा था, दरवेश मिले मुझे देख के अपनी टोपी पगड़ी उतार के मेरे सर पे रख दी, उनकी पगड़ी मेरे सर पे आते ही बाजार में मुझे कोई कुत्ता कोई खिंजीर कोई बंदर नजर आता था, जिसे कुरान कहता है जब इंसान ईमान अमाल की जिंदगी से मदीने वाले के इश्क और मोहब्बत से हट जाता है वो इंसान नहीं जानवर, उलाइका कल अनाम बलहम अजल, वो जानवर से बदतर हो जाता है। फिर उन्होंने पगड़ी मेरी उतार के अपने सर पर रखी तो फिर मैं देखूं सब कुछ वही मंजर है जो जमाना देख रहा, वही मैं देख रहा, वही आंखें वही मंजर वही सब कुछ। इस दिल पे मेहनत इस दिल पे कोशिश, सारे औलिया
سارے نولیا، سارے اللہ کے ولی، کتب، ابدال، غوث، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے اس دل کو لے کے چل رہے تھے۔ اور جب دل نورانی ہو جائے گا، روحانی ہو جائے گا، پھر دعائیں ایسے قبول ہوں گی، ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، بس پھر ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، دعائیں ایسے قبول ہوں گے، ایسے دعائیں، ایسے دعائیں، بس۔ اور پھر یہ تین تسبیح پڑے گا صرف اللہ اکبر کی، ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گے، ساری بیماریاں پل میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ تین تسبیح اول آخر، تین دفعہ، پانچ دفعہ، سات دفعہ درود شریف، ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت بڑا عمل ہے، کیوں؟ اللہ اکبر کا تعلق خالص دل کے ساتھ ہے، خالص دل کے ساتھ ہے، یہ اس کا نور جا کے دل پہ اثر کرتا ہے۔ تین تسبیحیں صبح، تین تسبیحیں شام پڑھ لے، جو لا علاج بیماری ہے وہ تیری انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جو حدیث میں آتا ہے، جب بندہ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، ایک اونٹ کے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو ایک سو دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، سو اونٹ کے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تین سو دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، تین سو اونٹ ذبح کر کے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کے بیمار ہوں تو صدقہ کرتے ہیں، بیمار ہوں تو بکرے گوشت صدقہ کرتے ہیں، اونٹ کا صدقہ سب سے بڑا صدقہ ہے، اونٹ کا صدقہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ مالی صدقہ بھی دیں، اعمال کا صدقہ بھی کریں، جیب کا صدقہ بھی دیں، اعمال کا صدقہ بھی کریں۔ میں نے کتنے احباب کو بتایا اور کتنے عرصے سے بتا رہا ہوں، اس دل کے لیے پڑھ لیا کریں۔ مولا یہ دل مریض ہے، یہ دل مریض ہے، اگر دل کا ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو، اس کے والو بند ہوں، یا دل کا دورہ ہے، یا دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہے، اس دل کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دل مریض ہے، یہ دل مریض ہے۔ دل کا علاج سوچیں، جب دل کا علاج سوچیں گے تو دنیا، مال، دولت، چیزیں خود بخود چلی آئیں گے، اور اللہ پاک غیب سے برکتوں کے خزانے آپ کے اوپر لٹا دے گا، پھر کہیں گے کہ کہیں سے آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن اس سے پہلے دل کا علاج سوچیں، دل کو سوچیں، دل کا علاج سوچیں۔ میں حقیقتوں کو آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور اس کے لیے تین تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لیں، کوئی دس منٹ لگتے ہیں سارے، تین تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لیں، دل آباد ہو جائے گا۔ ویسے ہی یہ عمل میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، پتا ہے نا آپ کو، جن کو تین تسبیح اللہ اکبر کے فائدوں کا پتہ نہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں، صرف وہی ہاتھ کھڑا کریں، اب ہاتھ نیچے گرائیں، پھر میری بات آپ اصل میں سمجھے نہیں۔ تین تسبیح اللہ اکبر پڑھنے کے فائدے میں نے اپنے درس میں بتائے تھے، تین تسبیح اللہ اکبر کے فائدے میں نے درس میں بتائے تھے، جن کو پتہ نہیں اب وہ ہاتھ کھڑا کریں، بہت سارے ہیں، بلکہ آدھے سے زیادہ ہیں، پتہ نہیں جن کو پتہ ہوتا ہے وہ پھر مجمع بدلتا رہتا ہے، لگتا یہ ہے ہمارے ہاں، محسوس کرتا ہوں مجمع ہمارے ہاں بدلتا رہتا ہے، نیا نیا مجمع آتا رہتا ہے، اب یہ نئے تو ہیں جن کو پتہ نہیں۔ تین تسبیح، حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھیں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، اور صدقہ کریں، بانٹ دیں اور قبول ہو جائے، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ جب بیمار ہوتے ہیں، آپ کا کوئی مریض، تو اس کے لیے اونٹ صدقہ کرتے ہیں، بکرا کرتے ہیں، گائے کرتے ہیں، یا پیسے دیتے ہیں، اور اونٹ کا صدقہ، صدقہ سب سے بہترین صدقہ ہے، سب سے لاجواب صدقہ ہے۔ جانی صدقہ بھی کریں، مالی بھی کریں، اور ساتھ اعمال کے اعتبار سے تین تسبیح صبح، تین تسبیح شام۔ اور اس کا واقعہ میں بتاتا رہتا ہوں، ایک درویش تھے، دایا جی کہتے تھے، مجھے بخار ہو گیا، مجھ سے کہنے لگے تین تسبیح صبح، تین تسبیح شام اللہ اکبر کی پڑھ، اور تصور کر کہ میں نے یہ صدقہ کیا، صدقہ کیا، تین سو اونٹ کا صدقہ کیا صبح، اور تین سو اونٹ کا صدقہ شام کو کیا، تین تسبیح صبح، تین تسبیح شام، اول آخر تین بار، پانچ بار، سات بار درود پاک کر تو، جب یہ صدقہ شروع کیا میں ٹھیک ہو گیا۔ اس دن سے، اس دن سے، یہ بات کوئی ہے میرے خیال میں 81-82 کی،
अंदाजा है, 81 से पहले की होगी। उस दिन से मैं मुसलसल लोगों को बता रहा हूं, कितने साल हो गए 81-82 को, है जी 34-35-36 साल हो गए, उस दिन से बता रहा हूं, बता रहा हूं। मैंने एक बंदे से कहा, है जी बात बताओ, मुझसे कहने लगा मुझे विलायत चाहिए सिर्फ, बस इसके लिए मुझे कोई चीज बता दे। मैं वक्त का जुनैद बगदादी, वक्त का हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बनना चाहता हूं। मैं पता नहीं क्या दिल में अल्लाह ने डाला, मैंने कहा 3 तस्वीर सुबह शाम अल्लाह अकबर के पढ़ और अल्लाह से अर्ज करके मौला सदका बलाओं का रद्द है और 70 बुराई, सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है। मेरी बात जरा गौर से समझे, बारीक बात है, गुनाह बुराई के सदका कितने दरवाजे बंद करता है, 70 दरवाजे, और गुनाह ना करने को विलायत कहते हैं, गुनाह से बचने को विलायत करते हैं, और अगर खता हो जाए तो उस पर रोके जब तक माफी तलाफी ना हो जाए, इसको विलायत कहते हैं, तकवे को विलायत कहते हैं। और तकवा करने का नाम नहीं, ना करने का नाम है, इबादत करने को तकवा नहीं कहते, गुनाहों से बदकारी से बचने का नाम तकवा है। मैंने कहा इस नियत से कर मौला, ये कितनी बड़ी नियत है, आप भी जरा सुन लीजिए, चौकन्ने होके सोते हुए जाग जाए, चौकन्ने होकर सुन लीजिए कि मौला इसे नियत कर, क्या अब सुनिए कि मौला तेरे हबीब का फरमान है, मफहूम है कि सदका बुराई के 70 दरवाजों को बंद कर देता है, मौला मैं अगर 1 ऊंट का सदका करूं रोजाना और 300 ऊंट कर दूं, मुझे यकीन है कि तू चाहे तो 1 ऊंट में मेरा काम बना दे, मौला मैं 300 ऊंट सुबह सदका कर रहा हूं और 300 ऊंट शाम सदका कर रहा हूं, मौला बुराइयों के 70 दरवाजे मेरे लिए बंद कर दे और खैर के 70 दरवाजे मेरे लिए खोल दे। कितना अजीब फलसफा है, कितनी अजीब सोच है कि गुनाहों के 70 दरवाजे मेरे लिए बंद कर दे और नेकियों के खैर के 70 दरवाजे मेरे लिए खोल दे, इस नियत से कर। और मैंने कहा 1 साल पूरा कर, 1 साल पूरा कर, हां 1 साल पूरा करके फिर मेरे पास आ। था पागल कोई दीवाना, और मेरे पास आता है एक पागल दीवाना, कहने लगे मैं हमजाद का मुझे शौक है, फिर खुद ही कहा, कहने लगे मैंने किताब में पढ़ा, घर में इलादा एक कमरा बनाया कच्चा सहन में, फिर तस्बीह पढ़ने बैठा, 3 दिन गुजरे थे तो शक हुआ कि मैंने तस्बीह जितनी पढ़नी थी जो जिक्र करना था वो तो नहीं किया, फिर मैं छोड़ के गया, किताब चेक की तो वाकई तस्बीह वो नहीं थी, फिर शुरू किया, फिर 5-7 दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद एहसास हुआ कि उन्होंने तो रुख कहीं और कहा था, देखा मेरा रुख कोई और था, फिर शुरू किया। अहमद मोटा हंस रहा है, कानों में आवाज पड़ रही है, तेरे कान का माहौल तो नीचा को दाढ़ा पिटवाई था, जालिम क्या तरह मैं बह रहा हूं, ऐसे कहता था मैं बात, और बड़ा कॉन्फिडेंस था इसमें, ऐसे बिल्कुल रिलैक्स होके खड़ा होता था, मैनू कुछ नहीं सुनदा तेरी कान, मैनू कुछ नहीं सुनदा, मुझे समझ नहीं आती, मैं यहां बैठा होता था वहां हंस रहा, जैसे अभी हंसा जालिम, मैं यहां बैठा होता था वहां हंसता, मैं कि या करीम साथ बैठे हुए तो ये कहता मुझे सुनाई नहीं देता, यहां बैठा वो 5वीं 6वीं 7वीं साफ में बैठा है कि ये हंस रहा है। मैंने कहा आज के बाद इंसान मन खींच के रखे दो, वह अब ठीक हो गया। कभी कभी मुर्शिद की मार भी सादत होती है, मेरे मुर्शिद तो जब भी मुझे लगे मुझे तो बहुत मिला, पता नहीं किसी की तौहीन हो जाए तो और बात है। मैं उस दिन तो क्या बात कर रहा था, मैं कल की बात है, मैंने एक साहब को देखा, उसने कहा जी आपका टाइम नहीं है, बड़े गुस्से से उसको यूं देखा फिर यूं देखा, मैंने कहा वाह, उन्होंने कहा राजी हमारा है तू कौन है, कोई हमें रोक सकता है,
फिर मैंने वह देखा तो रुख ही कुछ और था। अच्छा उन्होंने कहा अब कुछ चीज नहीं भूलूंगा, हर चीज सोच समझ के बैठ के मैं गया और मैंने हमजात का चिल्ला शुरू किया, बैठा और पढ़ते 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 तस्वीर तस्वीर पढ़ते पढ़ते एक और ख्याल आ गया। कहने लगे वो ख्याल ये आया कि मैं तो नापाक हूं, मैं तो नापाक हूं। फिर कहने लगे पक्का हो गया, फिर शुरू किया। फिर आखिरी दिन जब था, आखिरी दिन मैंने अपने पीछे चिराग जल रहा था, अपना साया था और साये की गर्दन पे देख के मैं पढ़ रहा था, एक बड़ा सारा कन खजूरा उसी साये के आगे दीवार के ऊपर चलता हुआ आया, ऐसे चलता जा रहा, एकदम मेरे अंदर आया अगर ये यूं दीवार से नीचे गिरेगा तो मेरे मेरी गोद में आ जाएगा। एकदम मैंने उठा के ना मेरे चीज को चीज पड़ी थी वो दी मारी, देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सारी कहानी मेरी खत्म हो गई वहीं के। आखिरी दिन था, कन खजूरा था ही नहीं, तो कन खजूरा था ही नहीं तो क्या बात कर रहा था। मैंने कहा साल के बाद आना था दीवाना, ऐसे ही ऐसे दीवाना था, साल के बाद आना। जब साल के बाद मेरे पास आया तो मैंने कहा हाल सुना, लगे कि कोई वक्त ऐसा नहीं कि मैंने जमान और मकान की कैद ना की हो, एक ही जगह एक ही वक्त एक ही जगह, लेकिन कोई ना भी करे तो इसके लिए जरूरी नहीं है, ये मैं आपको रियायत दे रहा हूं। कहने लगे मैंने ये और तसव्वुर यही रखा कि मौला तेरे मदीने वाले का फरमान है जो एक दफा एक दफा एक दफा क्या पढ़े, अल्लाह अकबर पढ़े तो एक ऊंट जबह करने का सवाब, सदका करने का सवाब मिलता है, सदका करने का सवाब मिलता है। और मौला तेरे हबीब का दूसरा फरमान यह भी है कि सदका बलाओं के नहीं इसके बुराइयों के 70 दरवाजे बंद कर देता है। मौला 70 दरवाजे मेरे लिए बुराइयों के बंद कर दे और 70 दरवाजे खैर के खोल दे, मुझे अपने दोस्तों में शामिल कर ले। वो कहने लगे मैं ये गिड़गिड़ा के पढ़ता था, जहां 10 मिनट लगने थे मैं 20 मिनट लगाता था और गड़गड़ा के पढ़ता था, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। कहने लगे मुझे कोई ख्वाब नहीं आया, मेरे ख्याल में था कोई ख्वाब आएगा, पूरे साल में कोई ख्वाब नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन साल में आखिरी दिन में जब मेरे 9 दिन बाकी रहते थे, 9 दिन बाकी, मैं जहां भी होता था, जहां जिस जगह भी होता था, मैं अमल नहीं छोड़ता था। 9 दिन बाकी, ये जमान और मकान, आप मेरी बात को वजाहत कर दो, आप कहेंगे चलो वक्त तो वही है, जगह तो वही नहीं, आप अभी आप कह रहे हैं जगह वही है, अभी आप कहते हैं जहां भी होता था। इसके लिए ना एक रुमाल रख लिया जाता है, एक मैं गुर बताता हूं, रुमाल जो आदमी कंधे पे रखते हैं ना, वो रुमाल रख लिया जाता है, वो रुमाल बिछा के रोज उस रुमाल में पढ़े, उस रुमाल के ऊपर पढ़े, या एक जाय नमाज रख ले रोज उसी जाय नमाज पे, या रुमाल या कोई कपड़ा, रोज उसी जाय नमाज उसी रुमाल पे रख के पढ़े। और अगर बिलफर्ज किसी और इलाके किसी और वतन किसी और जगह पे जाना हो, वो कपड़ा जाय नमाज साथ हो, वहां रख के पहले वही मकाम शुमार हो जाएगा, वक्त वही हो जगह वही शुमार हो जाएगी। अब समझ गए, ये सहूलत पैकेज है, ये सहूलत है। तो कहने लगे जब 9 दिन बाकी थे, अब गौर से सुनिएगा मेरे रब, अल्लाह अकबर का कमाल, अल्लाह अकबर, क्यों सारी कायनात के राजों में से इसमें जात जो अल्लाह है ना, है अल्लाह, सारी कायनात के राजों में से इसमें जात जो अल्लाह है, इससे बड़ी कायनात में कोई राज नहीं है। मेरे अल्लाह का जाती नाम है, मेरे अल्लाह का जाती नाम, इससे बड़ा कोई राज नहीं है कायनात में। कहने लगे जब 9 दिन बाकी थे, 9 दिन, तो 9वें दिन मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कोई ऐसे एहसास हो रहा जैसे जैसे बुखार हो जाए, सर्दी का तो कपकपी से महसूस होती है, कपकपी से महसूस होती है, और ये अलामत इस चीज की होती है कि इसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत का नूर सरायत कर रहा,
داخل ہو رہا میرے آقا نے فرمایا کملی عورتوں مجھے جب پہلی وحی آئی تھی زمبلونی کیا کملی اڑوا دو اس کو وحی نہ کہیے گا وحی کے دروازے بند ہو گئے غور سے سمجھیے گا ختم نبوت کے صدقے بس ختم وحی ختم اب نبی آئے گا تو وحی آئے گی نبی آئے گا نہیں وحی آئے گی نہیں یہ تو کہانی ختم ہو گئی الہام ہوتا رہے گا اللہ کے دوستوں پہ الہام ہوتا رہے گا تو اس جو روحانیت اور نہاریت دل میں منتقل ہوتی ہے یہ میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں اس کے اندر بھی کچھ بعض کو ایسی کیفیات ہوتی ہیں جیسے کپ کپی سی ہو رہی جیسے ہلکے سے جھٹکے لگے ہلکا سا جھٹکا لگا روحانیت اس کے اندر منتقل بس وہ کہا کہ مجھے محسوس ہوا ایسے جھٹکے لگے ہلکے سے کپ کپی سی محسوس ہوئی میں سمجھا بخار ہو گیا میں نے چادر اوڑی کپ کپی ختم نہ ہوئی اور اسی کپ کپی میں میں عمل کرتا رہا پھر 8 دن باقی رہ گئے پھر 7 دن پھر 6 دن پھر 5 دن جب 3 دن باقی رہے تو میری کپ کپاہٹ بڑھ گئی انہوں نے کہا ڈاکٹر کے پاس لے جائیں لیکن اندر کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا یہ ڈاکٹر کا کیس نہیں ہے یہ اللہ کے اس نور اور علم کی کیفیت ہے تیرے اندر منجھائی اور دھلائی ہو رہی تجھے اللہ کے نام کے لیے تیرے دل کو قبول کیا جا رہا اور تیرا قلب جاری ہو رہا اس کے لیے تیرے دل میں جگہ بن رہی پرانی جھونپڑی توڑ کے یا میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں پرانی جھونپڑی توڑ کے نیا محل بنا رہا تو کہتے پرانی جھونپڑی بھی نہ ٹوٹے نیا محل بھی بن جائے یہ سارا کچھ اس کے لیے کیا جا رہا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے سال جب پورا کیا اور اگلا دن پھر شروع کر دیا اور وہ سال پورا ہو گیا کہا کہ اس کا جو تجلیات مجھے ملی اب وہ تجلیات اگر میں آپ کو ممبر میں بٹھا دوں آپ کہیں گے یہ کیسی کہانیاں بیان کر رہا ہے یہ کیا بیان کر رہا ہے اس کی جو تجلیات ملی مجھے اور اس کا اللہ کی نظر سے نور ملا اور مجھے ولایت کا نور ملا جو ولایت کی تاثیر ملی ابھی وہ سب اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ملا مجھے بس 3 تسبیحات لا علاج بیماریوں کے لیے کینسر سے ہو ہیپیٹائٹس ہو وہ کمر کی درد ہو وہ پٹھوں کا کھچا ہو 3 تسبیحات اور تصور یہی ہو کہ مولا اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ تصور کریں اور اگر کوئی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو یہ تصور کریں کہ مولا اے صدقہ تیری بارگاہ میں بلاؤں کا رد ہے مصیبتوں کا رد ہے بیماریوں کا رد ہے تکلیفوں کا رد ہے مولا میں ایک دفعہ اللہ اکبر اس لیے پڑھ رہا کہ مولا میری یہ مصیبت ہے بے اولادی میری مصیبت ہے اولاد کا غم میری مصیبت ہے اولاد کی نافرمانی میری مصیبت ہے اولاد کا دکھ میری مصیبت ہے اولاد کی کند ذہنی میری مصیبت ہے مولا یہ میں نیٹ کی دنیا میں گرفتار ہو چکا ہوں اس گندگی اور غلاظت میں گھر چکا ہوں یا اللہ تو برائیوں کے 70 دروازے صدقہ کرنے سے بند کرتا ہے اللہ یہ برائی کا ایک دروازہ ہے تو 70 بند کر دیتا ہے اللہ اس برائی کا دروازہ مجھ سے بند کر دے اللہ اکبر میں اس لیے پڑھ رہا 3 تسبیح صبح شام عجیب فائدہ ہوتا ہے بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے دکھوں میں فائدہ ہوتا ہے لا علاج مسائل میں فائدہ ہوتا ہے 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام اللہ اکبر کی پڑھنے سے بخار تو عام سی چیز ہے درد تو عام سی چیز ہے تکلیف تو عام سی چیز ہے جب میرے رب نے فرما دیا مدینے والے کی زبان اتھر سے اللہ نے فرما دیا اور مدینے والے نے فرما دیا کیا کہ یہ صدقہ ہے اونٹ کا اور ایسے اونٹ کا جس کو ذبح کیا جائے اور قبول ہو جائے یہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں آپ ایسی تکلیف میں مبتلا ہیں جس کا علاج نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے ایسی تکلیف میں مبتلا ہے جس کا علاج نہیں ہے آپ مایوس نہ ہو آپ پریشان نہ ہو آپ اللہ اکبر 3 تسبیح صبح شام پڑھنا شروع کر دیں اول آخر 3 بار درود پاک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کیفیت کے ساتھ اور تصور کے ساتھ مولا یہ صدقہ ہے میری فلاں تکلیف دور کر دے میرا فلاں عیب ختم کر دے میرا فلاں گناہ دور کر دے میری فلاں ذلت ظلمت دور کر دے اے اللہ میرا فلاں رشتہ دار ہے دوسروں کے لیے پڑھ سکتے ہیں دوسروں کے لیے بھی
दूसरों के लिए, औलाद के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, शोहर बीवी के लिए, बीवी शोहर के लिए पढ़ सकते हैं। मियां बीवी का था झगड़ा, बीवी रूठ के चली गई, कहने लगी इलादा मकान लेके दे और इतने इतना महाना दे, यानी तनख्वाह में से 2-4 हजार तू रख, बाकी सारे मुझे दे। कहिए क्या करूं, दो बच्चे हैं, बीवी को छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा सदका कर बीवी को लाने के लिए। कहने लगे पैसे तो उसके पास चले जा रहे हैं, आप करें सदका कर। तारिक भी ऐसी अजीब बातें करता है। कहने लगे पैसे दो तो तू करें सदका कर, आप कहते हैं सदका कर। मैंने कहा अल्लाह के बंदा सदका कर, सदके से तेरे घर में जो नफरतें हैं दिलों के अंदर ये खत्म हो जाएंगे। सदका बलाओं मुसीबतों का रद्द है, सदका कर। मुझे कहने लगे पैसे नहीं है। मैंने कहा जैसे तैसे कर सदका। चलो मैंने कहा मैं फिर आसान सी तरकीब बताता हूं, 3 तस्बीह सुबह शाम अल्लाह अकबर की पढ़, सदका कर। कहने लगा हाँ ये ठीक है। मैंने कहा यही सदका तो मैं कह रहा था, यही सदका तो कह रहा था। कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, पहचाना नहीं। कहले आप कौन है, कमाल करते हैं, अभी कुछ अर्सा तो हम एक दूसरे के साथ जमा थे, खटे थे। वैसे मैं आपके वालिद साहब को भी पहचानता हूँ, उनका नाम भी जानता हूँ, आपकी वालदा का नाम भी जानता हूँ, आपके वालिद साहब क्या करते हैं मैं ये भी जानता हूँ। हाँ हाँ आप पहचानते, इसलिए नहीं खिलाना पिलाना ना पड़े। अब बेचारा और परेशान। आपको याद नहीं हमारी मुलाकात हुई थी पहले। कि नहीं, आप कौन है। कर वाह, इतना भूले के पूछे कौन है, याद करें जरा आप। लगे मुझे याद नहीं, मुझे तो अच्छी तरह याद है, हम दोनों ऐसे आमने सामने खड़े थे और हमारी मुलाकात हुई थी। मैं तो आपके वालिद साहब का नाम भी जानता हूं और वालदा साहबा का नाम वो भी जानता हूं। अब वो बेचारा परेशान। हमारे वो मास्टर साहब थे, वो ऐसे बंदे को कहते थे, कहने बस अल्लाह की मर्जी, वक्त आ गया आपका। ऐसे अच्छे खासे बंदे को कहते हैं, तबीयत कुछ बता रही है आपकी, बस वक्त आ गया, ठीक है, अल्लाह को यही मंजूर था। और नहीं, आपकी मजीद कैफियत नहीं बता रही है कि वक्त आ गया। बंदा जब जिद हो जाता था ना, मदीने जाने का वक्त आ गया, जब बंदा मजीद हो जाता था ना, फिर आखिर में कहते थे मदीने जाने का वक्त आ गया। उसने भी कहा, उसने कहा आपने कहां मिले हैं। भाई हम आलम अरवाह में मिले थे। किताबों में आता है जो आलम अरवाह में एक दूसरे के तरफ मुंह करके खड़े थे तो मुंह करके मोहब्बत होगी, मिलेंगे। हम मिले नहीं थे, पहचाना नहीं थे, भूल गया पागल आदमी। तेरा अब्बा आदम नहीं है, तेरी अम्मा हवा नहीं है, हम भाई नहीं है, हमारी मुलाकात नहीं हुई। हमारी मुलाकात है इससे पहले, हम एक दूसरे को जानते, भूल गया। आप कहते हैं मैं क्या बात कह गया, आपको समझ आपको नहीं आ रही क्या कह रहा हूं। हमारी जितनी बैठे ना तस्बीहाने में मेरी तरफ मुंह करके, हमारी पहले मुलाकात हो चुकी है और आलम अरवाह में हुई है, जब रूहें थी, कोई वजूद नहीं था, इंसान बना ही नहीं था, रूहें रूहें थी। क्यामत तक जिस रूह ने लब्बैक कहा है, काबा का तवाफ जरूर करेगी। और क्यामत तक जो रूह एक दूसरे के आमने सामने थी, वह एक दूसरे का आमना सामना करेगी और उनका प्यार मोहब्बत होगी, और जिन रूहों की पीठे थी उनकी पीठे ही रहेंगी। तो क्या बात कर रहा था, हाँ? मैंने कहा सदका, जिसकी बीवी रोट गई थी। मैंने कहा सदका कर। उसने जब पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे कहने लगा मैंने पता कैसे पढ़ा, मैंने तसव्वुर किया मौला तो एक ऊंट सदका करने का सवाब देता है, मैं एक ऊंट सदका करके बीवी के सामने रख रहा हूं, है तो बांट रही है। कह
कहने लगे मैंने कहा मौला मैंने सारे 300 ऊंट सदका कर दिए और सजबा कर दिए टुकड़े करके कहा। मैंने कहा ले तू बांट। कहने लगे वो बांट रही है और खुश हो रही है, वाह आज तक तो वो तवज्जो नहीं की थी, अब इतनी तवज्जो कर ली। वो चंद ही हफ्ते के बाद बीवी की तरफ से पैगाम है, भाई इसको ले जाओ, मेहरबानी करो इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। कहने लगे वो मेरे पास जब बीवी आई ना खर्चा ना हम तुम होंगे, कॉलेज होगा रक्स में सारा नॉलेज होगा, ना कोई कहानी कुछ भी नहीं, बस प्यार मोहब्बत रख रखाओ ख्याल लिहाज वो था। पहले कहती थी मकान इलादा थे महाना बना के दे, गोश्त जो उससे बटवाया और जो बटवाया जो अच्छा उससे अगली अजीब बात सुने। कहने लगी आपके ना जाने के बाद जब हमारा आपस में सुलह हुई है, इससे इतने हफ्ते पहले मैंने ख्वाब देखा, मैं ना ऐसे ऊंट का गोश्त बांट रही हूं। एक तो माई को ख्वाब बहुत आता है एक तो माई को ख्वाब भी बहुत आता है। कहीं मैंने ख्वाब देखा मैंने ऐसे ऊंट का गोश्त बांट रही हूं और फिर मैं जब सुबह उठती थी तो मेरे हाथ से ऊंट के गोश्त की बू भी आती थी। अजीब बात है, इसने नहीं बताया कि मैंने तेरे पर ही अमल किया, 3 तस्बीह सुबह शाम और तुझसे तसव्वुर में सदका करवाया, टोटे टोटे करके दिया, अब बांट तू। ये नहीं कहा, उसने खुद कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने ऐसे है कि आपने मुझे गोश्त करके दिया और आपने कहा बांट, मेरा ऊंट का गोश्त जो है मैं बांट रही हूं, और जब ख्वाब से सुबह बेदार होती थी तो मेरे हाथों से गोश्त की बू आती थी जैसे मैंने वाकई बांटा है। और उनकी सुलह हो गई, और ऐसी सुलह हुई कभी नफरत नहीं हुई। कहने लगा 7-8 दफा रूठ के चली गई थी, उसको ले जाते थे और कहते थे बस अब तलाक तो होगी होगी। कहने लगे अब इतने साल हो गए हैं, अब तो बस सुलह ऐसी हुई है कि प्यार मोहब्बत और बस आपस में उल्फत और एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का रख रखाव। बीमार के लिए, जिसको तकलीफ है उसके लिए, अल्लाहु अकबर। और जिसको कोई लाइलाज बीमारी है और जिस पे जादू है, तू कहते हैं मरीज का सदका करें, मरीज का सदका करें। एक और तसव्वुर बताऊं, मैं ठट्ठा में था मकली में, लाहौर के कुछ अहबाब भी थे मेरे साथ, तो वहां एक साहब मुझे अपने अहबाब में से कहने लगे कि यहां फुर्सत है एक थोड़ी सी अर्ज करनी है। ये कोई गालिबा 2002-2003-2004 इस तरह की बात है, 2002-2004 की। एक बात करनी है, मैंने कहा जी बात करें। हमारे एक दोस्त होते बारी साहब, वो मुझसे कहने लगे एक बात करनी है। मैंने कहा जी। कहने लगे कि मैं कैंट में रहता था, अब यहां PCSIR सोसाइटी जो है फेज 1, यहां रहता हूं, किराए पे रहता हूं ऊपर के मकान पे, मेरे पर जादू है, सब कुछ मेरा खत्म हो गया, मसाइल मुश्किलात फला फला ऐसे है, और जादूगरों को मैंने खुद देखा है। मैंने कहा आपका गुमान अच्छा नहीं, अमूमन आपको मैं बता दूं 99% जादू अपने नहीं करते और 80% खुद जादू नहीं होता, कि हर बीमारी हर तकलीफ हर उलझन को हम जादू करार दे देते हैं। और ऐसे लोग नजरानों शुक्रानों वालों के लिए तरने वाला होते हैं, तरने वाला होते हैं। तो मैंने कहा आपका गुमान अच्छा नहीं, जादू नहीं है। अच्छा मैंने कहा आप ये पढ़ ले, मैंने उन्हें कहा या आली मुअल्लिमनी या खबीर अखबरनी या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा, ये पढ़ ले और अल्लाह से 7 बार 11 बार आऊज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम भी पढ़े, ताकि शैतान अपना फितना ना करे और अपनों को ना दिखाए। शैतान लड़ाने के लिए बहुत खबासत करता है, अपनों की शक्ल दिखा देता है। कहने लगे मैंने अपने ख्वाब में देखा है, और अल्लाह का ऐसा निजाम बना, कुछ मैंने अपने इल्म में टूटा फूटा देखा, कुछ उन्होंने भी। वाकई वो एक खातून थी कि जो बहुत ज्यादा जो है इधर उधर जाती थी, मालदार थी और पैसे देके उल्टा सीधा काम करती थी। तो मैंने कहा ऐसा करें,
आप इसके लिए हिदायत की दुआ मांगे। यकीन जानिए मैंने 7-8 महीने उनसे दुआ मंगवाई कि इसके रूह को हदिया कर हिदायत की दुआ मांगा, पर उसके लगता है उसका कल्ब जो था शकी था, बदबख्त था, दिल उसका सख्त था। उसने अपने काम से बाज ना आई। फिर मैंने उसे कहा अच्छा चलो ऐसा करें आप एक तसव्वुर के साथ 3 तस्बीह पढ़ें। अब वो तसव्वुर सुने, तसव्वुर सुने, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा कि आपने इसलिए नहीं करना कि आपको कैसे यकीन है कि वो जादू करता है, और बाज़ों का खुद जादू होता ही नहीं है, सिर्फ हमारा गुमान और ख्याल है, और बाद लोगों पे जादू का फोबिया होता है, हर चीज पे जादू जादू जादू, नहीं होता, होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना हम समझते हैं, इतना नहीं होता। तो मैंने कहा तो ऐसे कर ऊंट को जबा कर, ऊंट को एक दफा अल्लाह अकबर कह के ऊंट जबा हुआ, उसका जो खून है, उसका जो खून है वो उठा के उस औरत में मल दे। तस्वीर में सारा तस्वीर में कहानी चल रही है, उसे मल दे तो बस ये 3 तस्वीरें ऐसे पढ़, ऐसे पढ़। को मेरे ख्याल में कोई पता नहीं कितने दिन गुजरे होंगे, मुझसे कहने लगे कि उस माई का जो है मेरे पास फोन आ रहा कि मिलना चाहते हैं, वो बड़ी खतरनाक है, घर में आती है कुछ छोड़ के चली जाती है। मैं कहा ना इंशाल्लाह आप और तरीके से मिलेगी, आप उससे मिले, इजाजत दे दें। मुझे कहने लगे कि माई आई, गुलदस्ते ले आई, मिठाई ले आई, फलां चीज ले आई, और आते ही दुपट्टा उतार के मेरी और मेरी बीवी के पांव पड़ गई कि अल्लाह के वास्ते ना कर, बस कि मैं रोज रात को देखती हूं हर तरफ खून ही खून है, और मेरे बच्चों के साथ खून है, और मेरे मियां के साथ, पोतों पोतों के साथ खून ही खून है, और एक खून में लिथड़ी हुई नंगी तलवार है कि जो ऐसे महसूस होता है कि उससे अभी खून के कतरे टपक रहे हैं, और वो मेरे बेटे के सर के ऊपर है, मेरी मेरे सर के ऊपर, मियां के सर, बच्चों के सर के ऊपर, बस थोड़ी देर में सबको कत्ल कर देगी। और मुझे कितने दिनों के बाद एहसास हो रहा है कि मैं आपके साथ नुकसान कर रही थी, मुझे माफ कर दें। कहने लगे जो माई रोई और जिस माई ने जो एतराफ किया, कहने लगे हमें एहसास हुआ कि हमने तो अल्लाह अकबर को नौज बिल्ला समझा ही कुछ नहीं था, अल्लाह अकबर के अंदर इतनी ताकत और इतनी तासीर। तो बीवी रोटी है ना, उसको गोश्त बंटवा दिया करें, हाँ उसे कह ले गोश्त बांट, 300 ऊंटों का गोश्त बांटेगी मई के तो हड्डियां भी खत्म हो जाएंगे ही, 300 ऊंटों का गोश्त सुबह बांटे और 300 का शाम बांट, हाँ चले मेरा जी चाहता मदीने आई जावा ते जाई जावा, आई खर्चा तेरी मां देवेगी, आई जावा ते जाई जावा, आई जावा ते जाई जावा, खर्चा तेरी मां देगी। तो उसको कह सारा दिन तू 300 ऊंटों का गोश्त बांट, चल बांट जल्दी कर, वैसी मां बाप के घर बैठी है, मेरे काम की तो वैसे ही नहीं, चल ये काम तो करती रहे, ना काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। आमाल में ताकत है, आमाल में तासीर है। ये वो औरतें जिनके शहर कहे बाहर मुल्क 60 साल से 20 साल से, उनको कहो उनसे जरा गोश्त बटवाओ शोहर से, हाँ गोश्त बटवाओ तकसीम कर। सदके की ताकत है और सदके की कुवत है, और फिर अल्लाह के नाम की अपनी ताकत है, अपनी कुवत है। कल वापस आए, मान था उसका बेटा आता ही नहीं था, और उधर कमाई भी नहीं है, यहां से खर्चा भेज रहे हैं, पर उधर था यूरोप के किसी शहर में। मुझे कहने लगे क्यों है, मैंने कहा उसके उसके शहवत की चाहते वहां पूरी होती हैं, यहां आके बन जाएगा, हालांकि वहां कुछ भी नहीं है, पैसे यहां से भेज रहे हैं। उसको मैंने कहा गोश्त बढ़वाओ, इसको कहो चलो गोश्त मानते चल जल सारा दिन, सुबह का गोश्त शाम तक खत्म हो जाएगा, 300 ऊंटों का 300 को सका दे, सारी रात फिर बांधता रहे, फिर सुबह फिर लगा दे, इसी काम पे लगा, इसको काम पे लगाया।
چند ہفتوں چند مہینوں میں بیٹا واپس آ گیا، شوہروں کو، شوہر بیویوں کو چھوڑ وہاں بیٹھے ہیں، کوئی یورپ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی دبئی میں، کوئی کہاں، وہ نیک بیٹیاں بیویاں یہاں سسک رہی ہیں. کہنے لگا، شوہر کو خط لکھا، کہنے لگا میرے سرتاج، مال ساری عمر کمانے کے لیے اور مال کمانے کے لیے ساری عمر ہے، پر جوانی کی یہی چار دن ہوتے ہیں، اب مجھے چھوڑ کے وہاں مال کما رہے، میں سسک رہی ہوں یہاں. تو اس لیے میری درخواست یہ ہے، اپنی زندگی کو اعمال میں اور کوئی خوش قسمت ہوگا دل کی دنیا کے لیے پڑھ لے، دل کی دنیا کے لیے پڑھ. ہمارے ساتھی ہیں کیپٹن صاحب، کہنے لگے میری ایک رشتہ دار خاتون تھی، وہ بڑا گوشت بیٹھے بیٹھے من ڈیڑھ من کچا کھا جاتی تھی، کچا کھا جاتی تھی. آپ میں سے کوئی جانتا ہے کسی کے ایک رشتہ دار نے یا کسی جاننے والے نے کچا گوشت کھایا ہو جنات کا مارا ہوا؟ کسی کے مشاہدے میں ہے؟ آپ کے ہے مشاہدے میں، اور کسی کے؟ وہ ہاتھ کھڑا ہے. او کھڑے ہو جائیں، کوئی ایسے کہیں گے، شاید ایسے کہہ رہے، ہاتھ کھڑا کریں، کھڑے ہو جائیں. آپ ہیں، پیچھے بندہ کھڑا ہے، اس کو سامنے آئے. آپ ہیں، کچا گوشت کھا جاتے ہیں، کچا گوشت. کتنا کھایا ہوگا اندازہ؟ شادی میں تھا، ادھر بھینس سبا کی تھی، کچا گوشت کھا رہا تھا. آپ کے گھر میں ایک مزدور لگا تھا، رات دن وہیں رہتے تھے. کہتے فریزر میں، ہم کہتے پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. کچا گوشت اور انڈے کچے وہی مزدور کھا جاتا ہے. اس نے اعتراف بھی کیا کہ میں کچا گوشت کھاتا ہوں، تشریف رکھیے. ہاں، کہتے گوشت کی شادی، رو دوست کی شادی ہوئی، نئی شادی ہوئی، اس کی بیوی نے پھر اعتراف کیا کہ میں کچا گوشت کھاتی ہوں. ہاں، وہ کہتے فریج سے نکال کے کچا گوشت بھی کھا جاتے تھے، فریج میں جو پڑا وہ بھی کھا جاتے تھے. شکم فقیران تغارے خدا، ہما چیز آیت فنا در فنا. یہ جو جنات کی دنیا ہے، اب یہ بات میں نے کیوں پوچھی، جنات کی دنیا ہے، جو شریر جنات ہے، کچا گوشت ان کی مرغوب غذا ہے. ان کو کہو ہماری جان چھوڑو، تمہیں 300 اونٹ دیتے ہیں، چل جا. سایہ، جنات، ہماری جان چھوڑو، تمہیں روزانہ 300 اونٹ صبح دیتے ہیں، 300 شام دیتے ہیں، کھائی جاؤ تو پکائی جاؤ، چلو کھاؤ، ہمیں نہ کھاؤ. مجھے بندہ کہنے لگا، میں سیب کھاؤں، انڈا کھاؤں، ملائی کھاؤں، مرچ کھاؤں، پھر خود ہی کہنے لگا، حکیم صاحب آپ کہیں میرا سر نہ کھا، باقی ہر چیز کھاؤ. خود ہی کہنے لگا مجھے. یہ اعمال چھوٹی باتیں ہیں، یہ میری ہستی مسکراتی باتیں ہیں، لیکن اس میں بڑی گہرائیاں ہیں، اس میں بڑی تاثیر ہے، اس میں بڑی طاقت ہے. 300 دفعہ اللہ اکبر، جادو، جنات، بندشیں، جھگڑے، صدقہ سب مسئلوں کا حل ہے. مقصد یہ ہے، اور اللہ کا نام سب مسئلوں کا حل ہے، اور جو اس میں ذات اللہ ہے، یہ خود ساری کائنات کی روح ہے. بس یہ تو ساری کائنات کے مسائل کا حل ہے، ساری کائنات کی مشکلات کا حل ہے، ساری کائنات کی الجھنوں کا حل ہے. آپ اللہ اکبر کی گہرائیوں کو ذرا ڈوبتے چلے جائیں، چھوتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، زندگی عجیب و غریب اور زندگی راحتوں اور برکتوں کا ذریعہ، زندگی میں مسائل مشکلات حل ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے. اور اس کو دل کے لیے پڑھا کریں، دل کو ہمیشہ جانچا کریں، دل کو ہمیشہ سمجھا کریں، اس دل کی دنیا کو پرکھیں، پڑھیں. دل کی دنیا اللہ میری آپ کی آباد کر دے، میں بھی آباد دل کی دنیا میں، اللہ میری بھی آباد کر دے دل کی دنیا، آپ کے بھی.
अपना सबक सुना रहा हूं, अल्लाह हम सबका सबक पक्का कर दे। ठीक है ना, करेंगे ना। और ये अल्लाह अकबर पढ़ते हुए मेरा भी तसव्वुर कर लिया करें, मेरी नस्लों का भी, कि इसकी अल्लाह पाक इसकी खैरें और बरकतें मुझे और मेरी नस्लों को भी जरूर अता फरमाए, मैं मोहताज हूं, जरूर किया करें। ये कुछ ऐलानात हैं, इन पे जरूर तवज्जो फरमाए और तसल्ली से बैठ के तवज्जो फरमाए, जरूर तवज्जो फरमाए और तसल्ली से बैठ के तवज्जो फरमाए। दम का ऐलान पहले हमने किया था कि 1 जनवरी को होगा 17 को, अब अगला ऐलान यह है कि इंशाल्लाह 29 जनवरी और 2017 को होगा, 29 जनवरी को सुबह 7 बजे, एक ऐलान यह है। और दूसरा ऐलान यह है कि दिल की दुनिया, रूहानी दुनिया और रूहानी भेद पाने के लिए कशफुल महजूब के दर्स आप सुना करें, नेट पे मोबाइल पे 70 या 90 दर्स सुना करें, और कशफुल महजूब के हलके में हर महीने कोशिश करें आप तशरीफ लाया करें। और तीसरा ऐलान यह है कि आप, बहुत से लोग हैं अपनी आमदनी में से 2.5% निकालते हैं, हमसे पूछते हैं हम क्या करें, क्योंकि वो सदका नहीं होता, वो ज़कात नहीं होती। अगर उसके मेमोरी कार्ड लेके लोगों को दे दें और रिसाले लेके दे दें, इसे हमारी दुकानदारी ना समझें। अल्लाह पाक करे ऐसा ना हो कि हर चीज को जिस रंग से देखें उसी चीज से नजर आती है, हमसे पूछते हैं कि हम क्या करें, तो उसकी तरकीब यही है कि उसके मेमोरी कार्ड लेके लोगों को दे दें और रिसाले दे दें, तो मखलूक को खैर इंशाल्लाह मिलेगी। और हामीम लायुम सारून 313 बार और या हफीज या सलाम 11 या बार या एक तस्बीह पढ़ के यहां के सारे निजाम का तस्वर करें। हामीम लायुम सारून 313 बार सारे नियत करें पढ़ेंगे, सारे निजाम का तस्वर, हिफाजत का, किफायत का, किफालत का, बरकत का, रहमत का, आफियत का, मेरा तस्वर, मेरी नस्लों का, साथियों का, दरूद महल का, तस्बीह खाने का, सारे निजाम का। और नेट और तस्बीह खाने में, इंटरनेट और तस्बीह खाने और मोती मस्जिद में बाद मर्द और खवातीन खुद पीर बन जाते हैं और मुझसे अपना रिश्ता नाता कि मैं उनका कजन हूं, खलीफा हूं या उस्ताद हूं, और फिर मखलूक के खास खुदा को अजीबो गरीब धोखे देते हैं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और ऐसे लोगों की हमें इतला दिया करे। और दरूद महल, रूहानी मंजिल, तस्बीह खाना और दारो तौबा के लिए अमाल के हदीये के नफिल रोजे अपनी हर दुआओं में खसूसी अल्लाह से मांगे। और आइंदा साल इस्तेमाल के लिए अल्लाह पाक सारे निजाम मुकम्मल कर दे, सारे निजाम मुकम्मल कर दे। इंशाल्लाह शेखपुरा रोड पे, खानपुर नहर जहां है, जहां लोग मछली खाते हैं, उसके साथ वहां इंशाल्लाह एक जगह अल्लाह पाक की रहमत से है, वो जगह उस पे इंशाल्लाह आइंदा साल इज्तमा होगा। उस जगह का नाम हजवेरी महल है। क्या नाम है? हजवेरी महल है। उसमें इंशाल्लाह हमारा इज्तमा आइंदा साल 2 नवंबर का होगा। उसके लिए अभी से दुआएं मांगना शुरू कर दें। वो अल्हम्दुलिल्लाह जगह एकड़ों में है, वहां पार्किंग भी, वहां सारा निजाम भी, अल्लाह उसकी हिफाजत, किफायत और गैबी निजाम से हमारी मदद फरमा। उसके लिए अभी से अल्लाह से मांगना शुरू कर दें। और फेसबुक, नेट, ईमेल और खत के जरिए अपने तजर्बात रूहानी और तिब्बी जरूर लिखा करें। और तस्बीह खाने में इश्क मुस्तफा, नूर मार्फत और अल्लाह का ताल्लुक पाने के लिए खिदमत और जिक्र, तस्बीह खाने में खिदमत और जिक्र, ये दो जरिए होते हैं, खिदमत भी और जिक्र भी, आमाल भी। तो इसके लिए तस्बीह खाने में चंद हफ्ते, चंद महीने, चंद दिन गुजारे। रिटायर्ड और बूढ़े हजरात अपनी जिंदगियां वक्फ करें। यहां पर खिदमत करने वालों को गिफ्ट, हदिया, बख्शीश हरगिज ना दें। आपस में रिश्ते, मामले ना और नाते, लेन देन अपने अपने सवाबदीद पे करें। जिक्र खास का कार्ड साथ ना ले जाएं, अमानत है। और शजरा तैयबा, मुंतखब अहदीस, आदाब मार्फत जरूर पढ़ा करें। रोजाना अपने मोबाइल पर रूहानी मैसेज पाने के लिए अपने मोबाइल पे 404-4044 का मैसेज लगाएं, पता नहीं तो साथ बैठे से पूछ लें, और जिस मैसेज के ऊपर अपकरी आएगा वही अपकरी का मैसेज होगा, वरना वो अपकरी का मैसेज शुमार नहीं होगा। वजू के लिए अपने ही जूते इस्तेमाल करें, अपने जेबों और जूतों की हिफाजत करें। मैंने अर्ज किया था, जिस वक्त यहां से लोग जाते हैं और खासतौर पर मैं जाता हूं और लोग मुसाफा करते हैं, उस वक्त मोबाइल और जेबें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा, इस पर आप नजर भी रखें, अमाल भी रखें, असबाब भी अख्तियार करें।
خاص طور پہ جس وقت مجمع نکلتا ہے اور مسافر کے لیے میں جاتا ہوں، اس وقت بہت زیادہ لوگوں کے نقصان ہو رہے، اس میں احتیاط بھی کریں اور ایسے بندوں پہ نظر بھی رکھیں اور حفاظت والے اعمال بھی کریں۔ گاڑی اور موٹر سائیکل کی پارکنگ میں تعاون کریں، یہ رقم ادارے کو نہیں جاتی۔ فیس بک پر خود اعمال مت بتائیں، اعمال شفا کی سائٹ کی طرف متوجہ کرائیں۔ مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں، گلی میں گھروں کے سامنے کھڑے نہ ہوں۔ رسالے کو اور درس کو مختلف زبانوں میں پوری دنیا کے احباب ترجمہ کر رہے اور مزید ترجمہ کرنے میں مخلصین متوجہ ہوں۔ اور لنگر شروع ہوگا ابھی، اس کے بعد لنگر سمیٹ دیا جائے گا۔ بعض لوگ باہر تشریف لے جاتے ہیں، وہ لنگر سے پھر محروم ہو جاتے ہیں۔ خواتین ہر حالت ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں، اور وہاں بیعت ہونے والی خواتین نام لکھوا کے کارڈ لے لیں۔ راستوں میں نہ بیٹھے خواتین اور سیڑھیوں پہ نہ بیٹھے اور جگہ جگہ کھڑی نہ ہو، بلکہ اپنے راستے آنے جانے کے جدا ہیں تو ان جدا راستوں سے خواتین تشریف لے جایا کریں۔ اب بیٹھ کے دعا اور ذکر کا وقت ہے، خاص توجہ کا وقت ہے۔ اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ ذکر خاص کا ایک ایک بول پوری توجہ سے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، اور دعا میں بھی اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ عالمین، اللهم صل على محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب اللهم صل على
ला इलाहा इल्ला اللهم صل على محمد يا الله يا علي يا يا كريم يا حي يا قيوم حسبي الله ونعم اللهم يا كاظم يا دافر يا حل المشكلة يا كافي يا شافي يا منزل البركة يا رافع الدرجة يا مسبب الأسباب يا مجيب الدعوة يا من الخائف
يا دليل المتحير. يا غياث المستغيثين، يا مفرح البحر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا رحمن، اللهم صل على محمد وعلى آمين. أستغفر الله الذي बंद कर दिए। हजरात बटन के पास बैठे हैं तवज्जो करें जी, जो हजरात बटन के पास बैठे हैं तवज्जो करें। सब रंग के निशान जिन बटनों पे हैं, लाइट के हैं, उनको बुझा दें और पूरी तवज्जो पूरे ध्यान के साथ अपने दिल को हाजिर करके पूरी तवज्जो के साथ और यकीन के साथ आहोजारी के साथ गिड़गड़ा कर रो कर अल्लाह से मांगेंगे। कीमती वक्त अल्लाह से जो मांगेंगे मिलेगा इंशाल्लाह। يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، كرم کے دروازے کھول دے، فضل کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کو متوجہ فرما، اپنے کرم کو متوجہ فرما، کامل ایمان دے دے،
कामिल इखलास दे दे, कामिल बरकत राफियत दे दे, बिन मांगे सदा अता फरमा, बिन मांगे सदा अता फरमा, बिन मांगे सदा अता फरमा, सखिया का हमारे दिल की ज़रूरतें पूरी फरमा, दिल की दुनिया आबाद फरमा और दिल की दुनिया शाद फरमा, ज़िल्लतों से निकाल दे, इल्लतों से निकाल दे, किल्लतों से निकाल दे, इल्लत ज़िल्लत और किल्लत से बचा दे, दिल में कामिल ईमान का नूर दे दे, कामिल बरकत और आफियत दे दे, कामिल खैरें और आफियतें दे दे, ऐ दिल की दुनिया को आबाद करने वाले मौला, ऐ सखी शहनशाह, हमारी खास समय अपनी रहमतों में ले ले और खास अपने फजल की छतरी हमारे ऊपर तान दे। या अल्लाह इस उम्मत के हाल पे रहम फरमा, इस उम्मत के हाल पे फजल फरमा, इस उम्मत के हाल पे करम फरमा, तेरे खजाने में कमी नहीं सखी, अपने गैब के खजाने से अपनी दुनिया हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा और आखरत भी बेहतर फरमा, अपने फजल को मुतवज्जे फरमा, अपने करम को मुतवज्जे फरमा, ए करीम आका बिन मांगे अता फरमा, हमारी नमाजों में ध्यान दे दे, हमारी सजदों में तवज्जो दे दे और अपनी ज़ात का ध्यान दे दे, ए अल्लाह हमारे जिक्र को कबूल फरमा ले और हमारी तस्बीह को कबूल फरमा ले, दिन दुगनी रात चौगनी दिल की दुनिया आबाद फरमा, दिल की दुनिया शाद फरमा, दिल की दुनिया मुझ पे शफकत और रहमत फरमा, ए सखी शहनशाह हमारी सारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा, हमारी सारी मुश्किलें हल फरमा, हमारे सारे गुनाह माफ़ करा, अल्लाह माफ़ फरमा, अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा और उन गुनाहों की वजह से तेरी रहमतें रुकी हुई हैं उनको मुतवज्जे फरमा, और उन गुनाहों की वजह से अगर हमें कलमा नसीब नहीं होना उस पर तौबा अता फरमा, उस पर तौबा दे दे, हमें माफ़ी दे दे, हमें मगफरत दे दे, हमारे पर फजल फरमा दे, हमारे पर करम फरमा दे, ए करम को मुतवज्जे करने वाले अल्लाह, ए रहम को मुतवज्जे करने वाले मौला, ए फजल को मुतवज्जे करने वाले आका, हमें दुनिया में भी खैरें दे दे, हमें आखरत में भी खैरें दे दे, हमें दुनिया में भी फजल दे दे और आखरत का भी करम दे दे, ए सखी हमारा खात्मा ईमान पे कर दे, जिल्लत और रुसवाइयों वाली मौत से बचा, जिल्लत और रुसवाइयों वाली कब्र से बचा, जिल्लत और रुसवाइयों वाली जिंदगी से बचा, खात्मा बिल खैर कर दे, हमारी नस्लों को हिदायत में नवाज दे, हमारी नस्लों को बुत परस्ती से बचा दे, जिल्लत इल्लत और किल्लत से बचा दे, पूरी उम्मत को बचा दे, आमीन कहने वालों को बचा दे, आमीन सुनने वालों को बचा दे, इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा दे, फजल को मुतवज्जे फरमा, रहम को मुतवज्जे फरमा और करम को मुतवज्जे फरमा, अपने नाम की सदा बरकतें अता फरमा, अपने नाम का शौक अता फरमा, दरूद पाक की लज्जत दे दे, जिक्र और कलमे की लज्जत दे दे, इन लज्जतों से हमारे दिलों को मुअत्तर कर दे, हमारी जबानों में वो जायके दे दे, हमने दुनिया के सारे जायके चखे मौला, तेरे नाम का जायका ना मिला, मरने से पहले अपने नाम की लज्जत और जायके अता फरमा, मरने से पहले अपने नाम की लज्जत और जायके अता फरमा, मरने से पहले ये नेमतें अता फरमा, मौत से पहले अता फरमा, हमारे जिस्म ने दुनिया के जायकों को चखा, तेरे नाम के जायके की खबर ही नहीं, तू दे दे तेरी मेहरबानी है, मरीज का जायका छीन लिया जाता है, जब शिफा मिलती है जायका मिल जाता है, हमारा जायका छिन गया है हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी नाफरमानी की वजह से, हमारी बेतवज्जी की वजह से, हमारी मेहनत ना करने की वजह से, ए सारी कायनात के आका, ए सारी कायनात के मौला, हमें दुनिया में भी खैरें दे दे, आखरत में भी खैरें दे दे, और दुनिया में भी बरकतें दे दे, और आखरत में भी बरकतें दे दे, और दुनिया आखरत की सारी बरकतों से नवाज दे, सारी खैरों से नवाज दे, सारी आफियतों से नवाज दे, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, कभी दर दर का भिखारी ना बना, कभी दर दर का मोहताज ना बना, सदा अपनी खैरें आफियतें अता फरमा, सदा अपनी बरकतें आफियतें अता फरमा, सदा अपनी राहतें रहमतें अता फरमा, इलाही जो मांगा अता फरमा,
जो नहीं मांगा ता फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, तंगदस्तों की तंगदस्तियां दूर कर दे, बेरोजगारों को रिस्क दे दे, बे औलादों को औलाद दे दे, बे औलादों को साले औलाद दे दे, बे औलादों को औलाद बेटे दे दे, जिनको औलाद दी है सालहियत और सलाहियत दे दे, दुनिया में भी खैरें दे दे, आखरत में भी खैरें दे दे, दुनिया की भी बरकतें दे दे, आखरत की भी बरकतें दे दे, दुनिया में आखरत में खैरें अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगे अता फरमा, जितने भी यहाँ बहने भाई आई हैं सबके दिल की मुरादें पूरी फरमा, सबकी जरूरतों को गैब से पूरा फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबके कर्जे दूर कर दे, बेघरों को घर दे दे, बेदरों को दर दे दे, बेसहारों को सहारा दे दे, रिश्तों की बंदिशें दूर फरमा दे, बेटियों के नसीब मुकद्दर अच्छे कर दे, बेटियों के नसीब मुकद्दर अच्छे कर दे, औलाद के नसीब मुकद्दर अच्छे कर दे, अल्लाह अपने गैब के खजाने से राहतें दे दे, रहमतें दे दे, भरम दे दे, शर्म दे दे, हया दे दे, ईमान दे दे, وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين